हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ICSE मैथ पर। आज हम शुरू करने वाले अभी क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर 22 जो कि है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। इससे प्रीवियस हमने GST वाला किया था भाई, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्ट वाला, ठीक है, जिसमें हमने टैक्स वगैरह के बारे में बात की थी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की, ठीक है। तो वहां पर हमने चैप्टर को बहुत ही अच्छे से किया था भाई, उस चैप्टर का या फिर बाकी जो भी हम चैप्टर करेंगे आने वाली वीडियोस में, उन सभी का लिंक आपको हर एक वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इजीली हर एक चैप्टर को कर सकते हो भाई, ठीक है। तो आज शुरू करते हैं यहां पर हम चैप्टर नंबर 22। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे फर्स्ट चैप्टर के बाद डायरेक्ट चैप्टर नंबर 22 कर रहा हूं मैं, भाई मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर आप मुझे कमेंट करके बताते हो कि आप स्कूल में कौन सा चैप्टर चल रहा है तो पहले वो कराया जाएगा, क्योंकि लाइन वाइज क्या पता किसी स्कूल में वो ना चल रहा हो और वो बच्चा वहाँ पे जो स्कूल में चल रहा है उसकी समझ ना आ रहा हो, तो इसलिए मैं पहले वो चैप्टर करा रहा हूँ जो चैप्टर आपके स्कूल में भी आ रहे हैं, ठीक है भाई। तो आप कमेंट करके बता दिया करो कि आपके स्कूल में कौन सा चैप्टर चल रहा है, पहले वो करा दिया जाएगा, ठीक है। तो देखो भाई, यहाँ पर आज चैप्टर नंबर 22 में हम सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे, क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे भाई ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के बारे में, कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्या होती है। क्लास 9th में भी किया था हमने चैप्टर, आपने अच्छे से देखी होगी वीडियो वहां पर, वो बिल्कुल इंट्रोडक्शन के साथ किया था हमने अच्छे से, ठीक है। तो आज भी पहले इंट्रोडक्शन ही करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का। तो सबसे पहले ध्यान से सुनो, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होती क्या है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से होते हैं। पहले फंक्शन की बात करें तो आपके बेसिक फंक्शन होते हैं जो मैं यहां लिख रहा हूं, पहले साइन, कोस, टेन, कोट, सिकेंट, कोसिकेंट, ठीक है भाई। पीछे एंगल कुछ भी हो सकता है, थीटा लगा लो, चलो ये मैंने थीटा एंगल लग दिया भाई, यहां पर कोई भी थीटा किसी एंगल का नाम हो सकता है, ए बी सी डी कुछ नाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मैंने थीटा नाम लिख दिया। तो ये हमारे पास 6 जो टोटल हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, इन्हीं का यूज करके हम रेशोस निकालते हैं। और रेशो के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, अगर याद हो आपके, वो फॉर्मूला क्या था भाई, यहां पर पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये वाला PBPHHB, इसको ऐसे नाम से याद कर लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ऐसे नाम से याद कर लो, या आपको जो आपका अच्छा लगता है कुछ बना के आप खुद भी यूज कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। अब देखो इसमें नाम कैसे अरेंज करते हैं, ऊपर लिखते हैं साइन थीटा, यहां पे कोस थीटा, यहां पे टेन थीटा, ठीक है भाई। साइन के नीचे साइन का अपोजिट होता है कोसिकेंट, क्या होता है भाई, कोसिकेंट आता है, कोस के नीचे आता है सिकेंट, क्या आता है भाई, सिकेंट, और टेन के नीचे आता है बेटा कोट, यहाँ पे क्या आता है, कोट थीटा, ठीक है भाई, ये चीजें करेंगे। अच्छा मैं लिख तो रहा हूं लेकिन ये अप्लाई कहां पे करने हैं और इसका यूज कहां पर होता है और कब कब इसका यूज होगा और कब इसका यूज नहीं होगा, ये चीजें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले कंडीशन होती है, इसका यूज वहीं पे कर सकते हैं जहां पर 90 डिग्री एंगल वाला ट्राइंगल हो, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा भाई, राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो ही आप इसका यूज कर सकते हो, अदरवाइज इसका यूज नहीं होगा कहीं पे। समझ आई मेरी बात, ये ध्यान से सुन लो बस। अब बना दिया मैंने राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा अब ये चीज तो सभी को पता होगी, जो बेसिक चीजें होती है मैं बता देता हूं। मान लो 90 डिग्री के सामने क्या होता है भी, आपको पता है हाइपोटन्यूज होता है, क्या होता है, तो यहां पे रखते हैं इसको हाइपोटन्यूज। नीचे वाला क्या होता है भी, अपना बेस होता है और ये होता अपना भाई हमारा परपेंडिकुलर। तो यही चीजें लिखी है यहां पर, PHBHPB, ठीक है भाई, वही चीज लिखी है मैंने, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटन्यूज। अच्छा अगर मैं बोलूं आपको कि साइन थीटा निकाल के दिखाओ, मुझे क्या दिखाओ भाई, निकाल के साइन थीटा निकाल के दिखाओ, तो आप क्या जाओगे, आपको इस फॉर्मूले पे आना है। साइन थीटा के नीचे क्या लिखा है, पी और एच, क्या लिखा है भाई, पी बाय एच, क्या लिखा है, पी बाय एच। तो मैं लिख देता हूं साइन थीटा के आगे पी बाय एच, पी का मतलब परपेंडिकुलर, एच का मतलब हाइपोटन्यूज। अब देखो परपेंडिकुलर तो ये रहा आपका, हाइपोटन्यूज ये रहा, हाइपोटन्यूज क्या है, बीसी है, क्या है भाई, बीसी। तो आप लिखोगे यहां पर, देखो आगे बना रहा हूं मैं, सोल्व कर रहा हूं इसको। अब देखो पहले ऊपर है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ये रहा और ये एंगल के सामने देखना, यहां पे क्या लिखा है, थीटा, थीटा के सामने, ये देखो थीटा है, थीटा के सामने हमेशा जो भी एंगल यहां पे लिखा मिलेगा, मैंने अभी जो लाइन बोल रहा हूं ना ये ध्यान से सुन लो, क्योंकि इस लाइन की वजह से जिसको ये चीज नहीं समझ आती ना वो बच्चे हमेशा गलती करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल्स आइडेंटिटी वाले चैप्टर में, ठीक है। मैंने आपको क्लास 9th में बहुत अच्छे समझाई थी, ध्यान से सुन लो एक बार वापस, थीटा पे डिपेंड करता है कि परपेंडिकुलर और बेस क्या होगा। हाइपोटन्यूज कभी भी, क्या बोला मैंने, कभी भी चेंज नहीं होगा हाइपोटन्यूज, बट परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो सकते हैं। वो कैसे चेंज होंगे, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर भाई, एंगल के ऊपर। मान लो थीटा यहां पे, तो इसके सामने वाला एंगल होगा भाई, थीटा के सामने वाली जो साइड होगी वो कहलाती है परपेंडिकुलर। अच्छा मैं क्या करता हूं, मान लो मैंने थीटा यहां पे लगा दिया तो क्या होगा, तो ये परपेंडिकुलर माना जाएगा और ये बेस माना जाएगा। समझ आई मेरी बात, एंगल पे डिपेंड करता है कि कौन सा परपेंडिकुलर होगा और कौन सा बेस, लेकिन हाइपोटन्यूज हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है 90 डिग्री के सामने वाला, ठीक है। अब वैल्यू पुट करते हैं, देखो वहां पे परपेंडिकुलर लिखा है, थीटा भी तो यहां पे मान लेते हैं हम, ये लाइन मिटा देता हूं मैं,
थीटा यही अभी तो फिलहाल ये मानते हैं। तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर है जिसका नाम है AC, क्या नाम है भाई, AC डिवाइड में, और परपेंडिकुलर तो हो गया हाइपोटेन्यूज क्या है BC भी, क्या BC, ये लो भाई ये वैल्यू होगी हमारी साइन थीटा की। समझ आई मेरी बात, साइन थीटा कितनी सिंपल थी। अच्छा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था साइन थीटा किसका उल्टा होता है भाई, कोसिकेंट का, किसका, कोसिकेंट थीटा का। तो कोसिकेंट थीटा ये रहा अपना, कोसिकेंट थीटा को उल्टा लिखूंगा, देखो कोसिकेंट थीटा क्या लिख सकता हूं, एच बाय पी, उल्टा कर दो एच बाय पी, एच बाय पी, देखा वो पी बाय एच था, एच बाय पी है क्या भाई, ये एच बाय पी, और इसको क्या लिख सकता हूं मैं बी सी बाय ए सी, क्या भाई बी सी बाय में ए सी, ये लो भाई ये कर दिया मैंने यहाँ पे, देखा कितना सिंपल है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये सारे के सारे। आपको अगर बेसिक चीजें समझ आ रही है ना तो आप इजीली हर एक क्वेश्चन को कर पाओगे भाई, यहाँ पर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दैट्स व्हाई मैं बोल रहा हूँ इंट्रोडक्शन जो मैं करा रहा हूँ वो ध्यान से समझ लो बस, उसके बाद आप हर एक क्वेश्चन को अपने आप ही कर सकते हो। देखो ध्यान से अभी यहाँ पे, अब हमने ये बना दिया, वैसे ही कोस थीटा है, टेन थीटा है, कोट थीटा है, सिकेंट थीटा है, ठीक है, तो आप उनको भी ऐसे ही लिख सकते हो। जैसे देखो यहाँ पर कोस थीटा के साथ क्या भी बेस और यहाँ पर है हाइपोटेन्यूज, तो मैं अगर बात करूँ मैं कोस थीटा की तो फॉर्मूला होता भी बेस बाय हाइपोटेन्यूज, क्या होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज में हाइपोटेन्यूज तो बी सी रहेगा, बेस आपका क्या है ए बी, अभी क्या है ए बी, बस ये चीज़ें लिखनी है आपको, ये होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। अच्छा मैं वापस, अब ये हो गया अपना टॉपिक कंप्लीट, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बचा बताने को, बट मैं आपको एक चीज़ रिपीट करा रहा हूँ वापस, जो मैं अभी भी बार बार बोल रहा हूँ कि वो चीज़ गलती ना करना आप, ठीक है। तो वो क्या है भाई आपका, वो है एंगल वाला। अब मान लो, अब ये थीटा मैंने यहाँ से हटा दिया, क्या हटा दिया मैंने, चलो एक ट्रायंगल बना लेता हूँ मैं एक और यहाँ पे साइड में, मान लो वही ट्रायंगल है सेम टू सेम, इसका नाम भी ए बी सी ही है, और अब की बार यहाँ पे 90 डिग्री तो है, इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज है, बट अब की बार थीटा मैंने ये ले लिया, क्या ले लिया मैंने थीटा ये ले लिया, और थीटा के सामने वाला एंगल के सामने वाला ये हमारा है परपेंडिकुलर ये बेस। अब ध्यान से सुनो क्या होगा, एंगल चेंज हुआ ना, एंगल चेंज होने से अब देखो परपेंडिकुलर ये बन गया, बेस ये बन गया। तो यही चीज मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमेशा इस चीज पे ध्यान देना है, जब एंगल चेंज होते हैं तो हमेशा परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाते हैं, बट हाइपोटेन्यूज आपका कांस्टेंट रहता है, उसको हम चेंज नहीं करेंगे कभी भी, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन था भी हमारा, जिसके अंदर हम समझेंगे कि हमने कैसे एंगल्स को चेंज किया, ठीक है। अब इसको अगर मैं बना के दिखाऊं आपको तो यहाँ देख सकते हो फॉर्मूला तो वही रहेगा आपका, परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज, कौन सा भाई परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज, बट परपेंडिकुलर अब की बार ए बी है, क्या है ए बी है, और बेस कितना, हाइपोटेन्यूज कितना आपका बी सी। अब ध्यान से देखो ये भी साइन थीटा, क्या ये भी साइन थीटा है, लेकिन इस साइन थीटा में आंसर आया था ए सी बाय बी सी, और इस साइन थीटा में आंसर आया ए बी बाय बी सी। देखा एंगल चेंज होने की वजह से थीटा यहां से यहां जाने की वजह से पूरा आंसर आपका चेंज हो गया, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना आपने, ये गलती ना हो आपसे, आई होप, ठीक है, मैं यही आशा करूंगा। चलते हैं भाई नेक्स्ट, इसके कुछ रिलेशंस भी हैं वो कर लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज शुरू करेंगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के बीच में जो रिलेशन होती है वो बहुत जरूरी है भाई, क्योंकि आप फर्स्ट एक्सरसाइज जो करोगे ना भाई 22A करोगे ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी चैप्टर की, इसके अंदर आपको सबसे पहले प्रूफ वाले क्वेश्चन करने होंगे, और प्रूफ वाले क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे यहाँ पर अगर आपको रिलेशन पता है, ठीक है। तो दैट्स वाई रिलेशन ध्यान से सुनो भाई, कौन कौन सी याद करनी है आपको और कैसे याद करोगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रिलेशन बिटवीन रेशियोज, रेशियोज के बीच में क्या रिलेशन रहेगी, मैं आपको लिख के देता हूँ यहाँ पर, साइन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन में कोसिकेंट थीटा। मैंने आपको जब पहले वाला जब स्टार्टिंग में भी कराया था इंट्रोडक्शन, इसके अंदर मैंने आपको बताया था साइन थीटा कोसिकेंट थीटा का अपोजिट होता है, वैसे ही कोस थीटा सिकेंट थीटा का अपोजिट होता है, और टेन थीटा कोट थीटा का अपोजिट होता है। तो वही चीज लिखी है यहाँ पे, ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कोसिकेंट थीटा, और आप कोसिकेंट को भी लिख सकते हो वैसे ही, होता है किसके इक्वल, वन अपॉन साइन थीटा, ये यहां जाएगा तो ये यहां आएगा, सिंपल है बिल्कुल। ऐसे ही सिकेंट और कोस की कर सकते हो आप, कोस थीटा इज इक्वल टू होता है वन अपॉन सिकेंट थीटा, और सिकेंट थीटा को भी लिख सकते हो आप वन अपॉन कोस थीटा, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, देख सकते हो आप। अब लास्ट के बचे हैं टेन और कोट, टेन थीटा को आप लिख सकते हो भाई यहां पर वन अपॉन कोट थीटा, और कोट थीटा को आप लिख सकते हो भाई यहां पर वन अपॉन टेन थीटा, क्या भाई वन अपॉन टेन थीटा, देखा बिल्कुल सिंपल है, आप इजिली कर सकते हो हर एक क्वेश्चन को यहां पर, ठीक है, इन आइडेंटिटीज का यूज करके। ये आइडेंटिटीज थी सिर्फ रेशियोज के बीच में, अगर बात करें हम यहां पर क्यूशेंट रिलेशन की और स्क्वेयर रिलेशन की, तो वहां पर क्या होगा वो ध्यान से समझ लो। अब आप क्या रिलेशन करना आपने यहाँ पर, तो सबसे पहले क्यूशेंट की बात करते हैं, डिवाइड करने वाले हैं ये, अगर आप साइन थीटा को कोस थीटा से डिवाइड करते हो, किससे करते हो भाई कोस थीटा से, तो आपको हमेशा टेन थीटा मिलेगा, क्या मिलेगा
tan थीटा, याद रखना है डिविजिडेंड पे हमें tan थीटा मिलता है डिवाइड करने के बाद। इसी को उल्टा कर दो, अगर आप cos को ऊपर लिख दो और साइन को नीचे लिख दो, इसको डिवाइड करोगे तो आपको tan का उल्टा मिलेगा। tan का उल्टा क्या होता है भाई, cot थीटा। ध्यान से याद रख लो, बस आपको ये याद रखना है कि अपोजिट कौन सा किसके है, तो आप हर इक्वेशन को इजीली कर पाओगे, आइडेंटिटीज भी याद रहेंगे आपको। यहाँ पर देख लो, यहाँ पे साइन थीटा बाय कोस थीटा, इसको मैंने उल्टा किया कोस बाय साइन, तो ये भी उल्टा हो गया। टेन का उल्टा क्या होता है, कोट होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, अभी अगर मैं टेन को प्रोडक्ट करता हूँ या मल्टीप्लाई करता हूँ कोट थीटा के साथ, तो हमेशा हमें वन मिलेगा। क्या मिलेगा भाई, वन मिलेगा, क्योंकि टेन को लिख सकता हूँ वन अपॉन कोट, और कोट से कोट कट गया तो वन ही मिलेगा, ठीक है भाई। अब चलते हैं स्क्वेयर रिलेशन पे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, और ज्यादा यूज होने वाली भी है ये। ये वाली आइडेंटिटीज और ये वाली बहुत ज्यादा यूज होती हैं, ये भी यूज तो होती हैं, देख लेना आप क्वेश्चन करेंगे तब आपको पता चल जाएगा कौन सी कैसे यूज करनी है। अच्छा, अब स्क्वेयर रिलेशन की बात करते हैं भाई। यहां पर हम स्क्वेयर में होता है साइन स्क्वेयर थीटा प्लस में कोस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू वन, याद रखना भाई ये। उसके बाद फिर आता भी अपने पास वन प्लस में टेन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू होता भाई यहां पर अपना सेकेंड स्केयर थीटा, किसके होता है भैया, सेकेंड स्केयर थीटा के होता है, किसके होता है याद रखना है, वन प्लस टेन स्केयर थीटा होता है सेकेंड स्केयर थीटा के, एस ई सी का स्केयर है भैया, ठीक है। उसके बाद आता अपने पास वन प्लस कोट स्केयर थीटा, कौन सा भाई, कोट स्केयर थीटा, ये होता अपना कोसिकेंड स्केयर थीटा के इक्वल, कोसिकेंड स्केयर थीटा। तो ये थी हमारी कुछ आइडेंटिटीज जो मैंने अभी लिखी है, नोट की है बोर्ड पे, तो आपको ये आइडेंटिटीज या तो कॉपी पे लिख लो या इनको अच्छे से याद कर लो, आपकी मर्जी है, बट याद कर लो भाई, ठीक है, क्योंकि बहुत जरूरी है ये, जिसको ये याद है वही कर पाएगा। और ये मत सोचना कि भाई हाँ कोई ना, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, जब क्वेश्चन करूंगा क्वेश्चन करते करते याद हो जाएंगे, ऐसे मत करना, क्योंकि फिर बाद में याद ही नहीं होती है वो। पहले याद करो फिर क्वेश्चन में यूज करोगे ना, तो बिना देखे यूज करो, प्रैक्टिस उसी से होगी आपके, ठीक है। ये मत सोचना कि भाई पहले याद नहीं करूंगा बाद में करूंगा, पहले क्वेश्चन कर लो, ऐसा मत करना, याद करो अच्छे से फिर क्वेश्चन स्टार्ट करना इनके, ठीक है, फिर क्वेश्चन में खुद यूज करना याद करी हुई, ठीक है। देख देख के पलट पलट के पेज करोगे तो कोई फायदा नहीं उसका, ठीक है। तो करते हैं अभी हमारी एक्सरसाइज शुरू। यहाँ पर हमने क्या कर लिया, सारे के सारे जो इंट्रोडक्शन की चीजें थी वो पढ़ ली, फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए हैं, शुरू करते हैं एक्सरसाइज। हाँ तो भाई फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम यहाँ पर हमारे पास एक्सरसाइज में। पहले क्वेश्चन में क्या बोला, देखो ध्यान से, प्रूव ईच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। आपको हर एक क्वेश्चन के अंदर जो आइडेंटिटीज दी हैं इनको प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है, या फिर आप राइट हैंड साइड लेके लेफ्ट हैंड के इक्वल प्रूव कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो अभी तक जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया भाई, चैनल सब्सक्राइब कर लो। जिन्होंने अभी तक चैनल अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को शेयर नहीं किया वो भी शेयर कर दो, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके भी, ठीक है। अभी तक हमारा चैनल आपको पता है इतना ग्रो नहीं हुआ है, आप पता को मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ मैं, ठीक है भाई, देख सकते हो, आपको आपके लिए वन शॉट वीडियो ला रहा हूँ, तो आप शेयर किया करो अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ, ताकि चैनल भी थोड़ा ग्रो हो सके, मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिले भी, हाँ भाई बच्चों को चैनल पे बने हुए कंटेंट है जो पसंद आ रहा है, वीडियो पसंद आ रही है, ठीक है। तो शेयर कर दिया करो भी अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब भी कर लो जिन्होंने अभी तक नहीं किया, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, बिल्कुल जो भी हम करेंगे ना क्वेश्चन, बिल्कुल लॉजिक के साथ करेंगे, हर एक क्वेश्चन में आपको पता चलेगा कि क्यों हमने यूज किया है और कब यूज करना और कब नहीं करना। ध्यान से सुनो, आपके पास मान लो ये क्वेश्चन आ गया, पहला क्वेश्चन देखो, यहां लिखा है कोसिकेंट ए प्लस वन कोसिकेंट ए माइनस वन, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास, तो आपको राइट हैंड साइड बनाना है इसे, यानी कि इसको इस जैसा बनाना है, तो कैसे बनाओगे। तो सबसे पहले माइंड में क्या सोचना वो सोचो, सोचो कि कोसिकेंट और साइन में रिलेशन क्या है, वो देखना पहले। देखो रिलेशन क्या होता है, आपको पता है कोसिकेंट साइन का अपोजिट होता है, मैंने पहले बोला था आइडेंटिटी याद होनी चाहिए अच्छे से, और जो हमने भी इंट्रोडक्शन पढ़ा वो सारा अच्छे से देख के आओ, वीडियो स्किप मत करना, ठीक है, अच्छे से देखोगे तो आपको समझ आएगा। तो कोसिकेंट साइन का अपोजिट होता है, बोला था ना मैंने, अपोजिट है, यहां पर स्क्वेयर है किसी पे नहीं है, तो स्क्वेयर वाली आइडेंटिटी नहीं लगेंगी, और सिंपल हम इसको कोसिकेंट को साइन का अपोजिट होता है, तो दैट्स वाई यूज करेंगे। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, मैं लूंगा पहले यहां पर फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, कौन सा भाई, लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं मैं, ये वाली कोसिकेंट ए प्लस वन बाय में कोसिकेंट ए माइनस वन इक्वल टू, इसको मैं कैसे वैल्यू पुट करूंगा, देखो कोसिकेंट किसका उल्टा होता है, साइन का, तो मैं लिख सकता हूं कोसिकेंट की जगह पे वन अपॉन में साइन ए प्लस में वन डिवाइड में वन अपॉन में साइन ए माइनस में वन, ठीक है भाई, ये लिख दिया मैंने यहां पर। अब देखो ध्यान से, और रीजन दे देना भाई साथ में, यहां पे रीजन क्या दोगे, बिकॉज क्योंकि हमने यूज किया भाई यहां पर कि जो कोसिकेंट है
वो किसके इक्वल है, वन अपॉन साइन के इक्वल है। ये आपने यहाँ पे यूज किया, साथ में आइडेंटिटी भी लिख देना भी, हाँ मैंने ये वाला यूज किया यहाँ पे रेशियो को। उसके बाद अब एलसीएम लेंगे भाई, क्या लेंगे एलसीएम, नीचे क्या एलसीएम आएगा साइन ए का और वन का, साइन ए आएगा एलसीएम, क्या आएगा भाई साइन ए, वन को वन से मल्टीप्लाई करूंगा वन प्लस में, साइन ए को वन से करूंगा साइन ए, ले लिया भाई हमने नीचे एलसीएम, उसके नीचे अब इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा साइन ए और वन का, साइन ए, क्या आएगा भाई साइन ए, डिवाइड में वन को वन से करूंगा वन माइनस में साइन को वन से करूंगा भाई साइन ए, क्या साइन ए, ठीक है भाई। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, सिंपल एलसीएम लिया, वैल्यू पुट किया बस। अब देखो इसको मैं एज इट इज लिखूंगा यहां पर, वन प्लस में साइन ए डिवाइडेड बाय, डिवाइड किस किया भाई, इसके नीचे क्या लिखा है साइन ए। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इस चीज को मैं क्या कर सकता हूं, रेसिप्रोकल कर सकता हूं, डिवाइड है ना तो घूम के ऊपर जाएगी, ऊपर की तरफ चली जाएगी तो ऊपर जाएगा साइन ए और नीचे कितना आएगा भाई वन माइनस साइन ए, क्या आएगा वन माइनस साइन ए। तो ध्यान से देखो साइन ए से साइन ए कट गया, बचा क्या अपना सिर्फ, हमारा बचा देखो ध्यान से वन प्लस साइन ए ऊपर बचा है और नीचे बचा बेटा वन माइनस साइन ए। तो बताओ भाई हुई कि नहीं हुई, राइट हैंड साइड देखो वन प्लस साइन ए वन माइनस साइन ए, यही प्रूव करना था ना, पूरी का यूज करके बना दिया। और ये बाद में क्या लिख दोगे, लास्ट में लिख देना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और हैंस प्रूव लिख देना, लिखना लास्ट में हैंस प्रूव्ड, भी हमने प्रूव कर दिया इसे जो आपने बोला था वो कर दिया, ठीक है भाई। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, देखा कितना सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, जो सबसे पहले आइडेंटिटीज की थी रेशो वाली वही यूज हुई यहाँ पे। सेकंड देखो अभी यहाँ पर सेकंड कर रहे हैं भाई, ये ले लो लेफ्ट हैंड साइड, लिखो यहाँ पे फ्रॉम LHS, तो क्या लिखेंगे भाई यहाँ पर सिकेंट ए माइनस वन ओवर में सिकेंट ए प्लस वन। अब आपको पता है मैं कुछ बोल लूंगा नहीं यहाँ पे, आपको पता चल जाएगा कि आपने सोचना क्या है, क्या बोला था मैंने रिलेशन, सिकेंट का और कोस का कोई रिलेशन बन रहा है भाई यहाँ पर, हाँ भाई बनेगा, आपको पता है मैंने आइडेंटिटी याद कराई थी, सिकेंट होता है आपका, कोस का क्या होता है भाई अपोजिट होता है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर सिकेंट की जगह पे क्या लिखोगे वन अपॉन कोस ए, बाद में माइनस का वन डिवाइड में सिकेंट ए की जगह पे क्या लिखोगे वन अपॉन कोस ए प्लस का वन। और रीजन में मैंने आपको पहले बोला लिख दिया करो साथ में कि हमने यूज किया भाई यहाँ पर सिकेंट की जगह पे वन अपॉन कोस, ठीक है, ये आइडेंटिटीज भी दिखा दिया करो साथ में, बेसिक चीजें। चलो भैया एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे देखो एलसीएम आएगा यहाँ पर वन, कितना आएगा भाई वन वन लेके यहाँ पे, अच्छा एलसीएम बोल रहा हूँ सॉरी, वन ले लेंगे यहाँ पे, एलसीएम लेंगे कोस का और वन का एलसीएम, आपको पता कोस ही रहेगा, क्या रहेगा भाई कोस रहेगा एलसीएम, नीचे यहाँ पे कोस ए, वन को इस साइड वन से करूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई वन, कोस ए को वन से करूंगा कोस ए डिवाइड में भाई वन को वन से करूंगा बट वन आएगा प्लस में, कोस ए को कोस से करूंगा कोस ए आएगा, और इन दोनों का भी एलसीएम कितना भाई नीचे कोस ए है। अब जैसे इस क्वेश्चन में किया था हमने, इन चीजों को पलट दिया था वैसे ही वहां पे करना, बस कुछ ज्यादा नहीं करना, लिखेंगे वन माइनस कोस ए ओवर में कोस ए, इसको पलट दो भाई ऊपर, अब कोस ए ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा वन माइनस कोस ए, कितना भाई अब आपको पता है सॉरी वन माइनस बोल रहा हूँ वन प्लस कोस, प्लस था ना भाई प्लस आएगा नीचे, कोस से कोस कट गया तो आपका फाइनल आंसर क्या बचा भाई यहाँ पर वन माइनस कोस से ऊपर बचा है और नीचे बचा है वन प्लस कोस से। चलो भाई ये हो गया अभी आपका क्वेश्चन, यहाँ पर बिल्कुल सिंपल था, देख सकते हो यहाँ पर आप वन माइनस कोस से वन प्लस कोस से ऊपर देखो वन माइनस कोस से वन प्लस कोस से प्रूव हो गया अपना, और यही आपको प्रूव करना था भाई यहाँ पर, लिख सकते हैं लास्ट में लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कर दिया हमने किसके भाई राइट हैंड साइड के, और लास्ट में लिख देना हैंस प्रूव भाई, ठीक है। चलो भाई यहां पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है सेकंड, आई होप आपको समझ आया है, नेक्स्ट वाला करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं भाई। यहां पर थर्ड में देखिए भाई साइन ए डॉट दे रखा में टेंजेंट है यानी कि मल्टीप्लाई है, यहां पर साइन ए और टेंजेंट है, माइनस में है नीचे डिवाइड में भाई वन माइनस कोस ए इज इक्वल टू वन प्लस सेकेंट ए। आपको यहां पर फिर वापस जैसे सेकंड और फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किया था लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना, ठीक है। अच्छा जब हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करेंगे तो आपको मैंने पहले भी समझाया था, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मुझे यहां पर क्या चेंज लाना है कि मेरा ये आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए मैंने आपको समझाया था पहले आपको रिलेशन देखना है कि कोई रिलेशन है कि नहीं, मैंने आपको रिलेशन वाली आइडेंटिटी कराई थी किसके अंदर भी इंट्रोडक्शन में, आई होप आपने अच्छे से देखी होगी वो, ठीक है। तो देखो भाई साइन है
और ये सिकेंट है। पहले देखो सिकेंट किसका अपोजिट होता है भाई, आपने क्या देखना है, सिकेंट किसका अपोजिट होता है, कोस का अपोजिट होता है। किसका होता है भाई, सिकेंट होता है कोस का अपोजिट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे टेंजेंट को भी कोस में कुछ चेंज करना होगा ताकि वो साइन कोस में वैल्यू रहे, ठीक है। तो कैसे चेंज करेंगे वो ध्यान से सुन लो। अब यहां पर देखो, सबसे पहले मैं साइन एज इट इज लिखूंगा, यहां पर साइन ए डॉट टेंजेंट ए को क्या लिख सकता हूं भाई मैं, साइन ए ओवर में कोस। अब आप ये मत बोलना कि मुझे ये क्यों चेंज किया मैंने, अभी बताया ना मैंने, क्योंकि टेंजेंट ए को हमें साइन और कोस में ही लाना है, क्योंकि सिकेंट होता है वो साइन कोस का ही अपोजिट होता है, कोस का अपोजिट होता है बेसिकली, बट साइन से वो कट जाता है इसलिए हमने लिया है। यहाँ पे नीचे वन माइनस कोस है, वन माइनस कोस है, और ऊपर लिख लेना फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है भाई, ये लिख लेना साइड में, इज इक्वल टू। अब आगे देखिए, यहां पर साइन को साइन से मल्टीप्लाई करता हूं तो ऊपर आ जाएगा भाई साइन ए, कितना आ जाएगा भाई साइन ए, नीचे कितना बेटा इसके कोस है, कोस है, और उसके नीचे कितना, पूरे के नीचे वन माइनस कोस है, वन माइनस कोस है, और डिवाइड में है इसके वन, इसके नीचे कुछ नहीं तो इसके नीचे वन है, ठीक है। अब मैंने क्यों लिखा वन, ताकि मैं इसको रेसिप्रोकल करके ऊपर लिख सकूं, और सॉरी यहां पे साइन स्क्वायर है भाई, क्योंकि साइन को साइन से मल्टीप्लाई करूंगा साइन स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब आगे देखो मैं क्या लिखने वाला हूं भाई, अब इसे ऐड कर लेता हूं, साइन स्क्वायर को लिख सकता हूं मैं यहां पे वन माइनस कोस स्क्वायर ए, ठीक है, डिवाइड में क्या भाई कोस है, क्या है यहां पर आ जाएगा अपने पास, यहां पर भाई कोस आ जाएगा, कोस स्क्वायर, सॉरी कोस ही है, कोस स्क्वायर नहीं है, कोस था ना भाई, कोस है, ठीक है, और इनटू में वन ऊपर चला गया भाई, और डिवाइड में कितना आ जाएगा वन माइनस कोस। अच्छा एक चीज ध्यान से सुनो, मैंने यहां पर साइन स्क्वायर को वन प्लस कोस स्क्वायर कैसे लिखा है, मैंने आपको स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज कराई थी, रिलेशन कराए थे, तो आपको पता है मैंने क्या लिखा था, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल है भाई, वन के इक्वल। तो मैं यहां पे साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूं भाई, वन माइनस कोस स्क्वायर ए लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, कोस स्क्वायर प्लस का उस साइड जाके माइनस का, दैट्स व्हाई मैंने यहां पे साइन स्क्वायर की जगह पे वन माइनस कोस स्क्वायर लिखा, साइन स्क्वायर की जगह पे वन माइनस कोस स्क्वायर। अच्छा अब ये तो ठीक है भाई, यहां पर ये मैंने आइडेंटिटी यूज करी है। अब आगे देखिए मैं क्या चेंज ला रहा हूं, इस वन को लिख सकता हूं मैं वन का स्क्वायर, क्या लिख सकता हूं भाई, वन का स्क्वायर, क्योंकि वन को स्क्वायर करो ट्रिपल करो फोर टाइम्स फाइव टाइम्स वन ही रहना, वो पता आपको ना, क्योंकि वन को कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर लो वन ही आएगा, वन को वन से करेंगे वन आना है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया वन का स्क्वायर माइनस को स्क्वायर, तो यहां पर एक आइडेंटिटी बनी है भाई, देखो ध्यान से, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, अब आपको पता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है भाई, यहां पर वो होता है ए माइनस बी, यानी कि वन माइनस कोस ए, और एक बार वन प्लस कोस ए, पता ना, ए माइनस बी ए प्लस बी आइडेंटिटी लगी हुई यहां पर, कहां पर लगी है, इसके ऊपर आइडेंटिटी लगाई है मैंने, सर्कल कर दिया इसे, आप कंफ्यूज मत होना, इसके ऊपर मैंने आइडेंटिटी लगा दी, नीचे कोस ए एज इट इज कोस ए मल्टीप्लाई में, नीचे क्या लिखा भाई, वन बाय वन माइनस कोस ए, वन बाय वन माइनस कोस ए। अच्छा ध्यान से देखिए, वन माइनस कोस ए से वन माइनस कोस ए काट दिया मैंने, तो क्या बचा मेरा, ऊपर बचा वन प्लस कोस ए, वन प्लस कोस ए बाय में नीचे कितना बचा भाई कोस ए। अच्छा मैं क्या करूंगा भाई, यहां पर डिवाइड कर दूंगा आपस में इनको, ठीक है, देखो अलग अलग कर रहा हूं, वन के नीचे भी कोस ए लिख रहा हूं वन अपॉन में कोस ए प्लस में, और कोस के नीचे भी कोस लिख रहा हूं कोस ए अपॉन में कोस ए, पता ना मैंने क्या स्प्लिट कर दिया इनको, वन के नीचे भी और कोस के नीचे भी, इससे तो ये कट जाएगा, तो कट के, और वन अपॉन कोस क्या होता है, सिकेंट होता है, आपको पता चल गया ना, तो वन प्लस में सिकेंट आपका आ जाएगा, देखो इससे कट के तो वन बचा प्लस का साइन, फिर वन अपॉन कोस किसके इक्वल होता है, सिकेंट के, आपको पता है ना आइडेंटिटी सिकेंट के होता है, तो वन प्लस सिकेंट, और यही तो लाना था हमने, कहां गया ये, वन प्लस सिकेंट प्रूव कर दिया कि ये किसके इक्वल, अभी हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल है, सो वी कैन राइट दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है भाई, हमने लिख दिया यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगी, और हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा, लास्ट में लिख सकते हो तो लिख देना हैंस प्रूव, ठीक है भाई, ऐसे करना था क्वेश्चन। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, वो इससे बिजी है। अब आपको पता है यहाँ पे रखा है टेन, यहाँ पे रखा है कोट, ठीक है, देख लिया टेन और कोट है, यहाँ पे साइन और कोस है। अब एक बात सोचो ध्यान से जो मैं आपको बोलने वाला हूँ, टेन है और कोट है, हमें टेन और कोट को ऐसे चेंज करना है कि वो साइन और कोस में जाए, तो टेन और कोट का कौन सा फॉर्मूला है जिसमें लगता है कि वो साइन और कोस में जाता है, तो टेन का क्वोशेंट फॉर्मूला पढ़ा था हमने, ठीक है भाई, क्वोशेंट रेडिएशन उस वाला रिलेशन वाला, वन अपॉन में, ये नीचे ज्यादा ऊपर कर दिया हमने, वन अपॉन में टेन को लिख सकता हूं मैं भाई यहाँ पे साइन ए अपॉन में कोस ए प्लस में, इसको लिख सकता हूं मैं कोस ए अपॉन में साइन ए, है ना, ये फॉर्मूले पढ़े थे ना हमने साइन और कोस में, ठीक है, और ऊपर लिख देना फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, फ्रॉम एलएचएस साइड, ठीक है भाई। अब देखो नीचे एलसीएम क्या आएगा साइन और कोस का, ऊपर वन तो आ जाएगा, नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा भाई साइन और कोस का, साइन कोस ही आ जाएगा,
ठीक है भाई, क्योंकि हमारा यहां पर सेम तो है नहीं दोनों, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके साइन को साइन से करूंगा। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, साइन को साइन से कर रहा हूं तो साइन स्क्वायर है, क्या लिखूंगा साइन स्क्वायर है, प्लस में कोस को कोस से करूंगा तो कोस स्क्वायर है, क्या भाई कोस स्क्वायर। अच्छा आपको पता है नीचे वाली चीज पलट कर ऊपर चली जाती है, पता है ना, तो लिख देंगे ऊपर भाई कोस ए साइन ए, डिवाइड में कितना बचा भाई अपने पास यहां पर साइन स्क्वायर है प्लस में कोस स्क्वायर है। अच्छा अब सभी को आइडेंटिटी तो याद होगी, कौन सी आइडेंटिटी है, नीचे वाली साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर किसके इक्वल होता है भाई, ये देखो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर वन के इक्वल होता है, आइडेंटिटी थी ये, तो नीचे तो वन आ गया तो लिखने की जरूरत ही नहीं है नीचे तो कुछ, ऊपर हमारे पास क्या बचेगा भाई कोस ए डॉट साइन ए बस, और नीचे वन है तो लिखने की लोड नहीं है भाई यहाँ पे, तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट। यहाँ पे फोर्थ दो पॉइंट दो लाइन ही थी बस, इसमें कुछ नहीं था ठीक है, तो लास्ट में लिख देना आपने भाई यहाँ पर क्या लिखोगे, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है अभी हैंस प्रूव कर देना, बाद में क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है फोर्थ वाला भी ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखें, यहाँ पर जो हम फिफ्थ क्वेश्चन करने वाले हैं या फिर सिक्स्थ करने वाले हैं, दोनों के दोनों सेम क्वेश्चन है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पर थोड़ा सा टेन और कोट लिखा है तो अपोजिट एक दूसरे के, तो सिंपल क्वेश्चन अगर आपको आइडेंटिटी याद है यहाँ पे देखिए अब करोगे कैसे इसको, यहाँ पे आपने देखना है कि भाई स्क्वेयर कौन सा है, देखो ध्यान से यहाँ पे टेन ए का स्क्वेयर होगा, यहाँ पे भी स्क्वेयर है यहाँ पे भी स्क्वेयर है, तो सभी साइड स्क्वेयर दिख रहा है ना आपको, तो सिंपल बात आपको स्क्वेयर वाली आइडेंटिटी यूज करनी है, कौन सी करनी है भाई स्क्वेयर वाली, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ उसे, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर, आपको आइडेंटिटी पता है कौन सी होती है, ए का स्क्वेयर यानी कि वन का स्क्वेयर प्लस में बी का स्क्वेयर यानी कि टेंजेंट ए का स्क्वेयर प्लस में टू ए बी यानी कि टू टेंजेंट ए, टू टेंजेंट ए ठीक है भाई प्लस में, अब मैं इसको ओपन कर रहा हूं भाई, ए का स्क्वेयर यानी कि वन का स्क्वेयर प्लस में बी यानी कि टेंजेंट स्क्वेयर ए माइनस में टू टेंजेंट ए ठीक है भाई, ये आइडेंटिटी ओपन कर ली मैंने, और ऊपर लिख देना फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड फ्रॉम LHS मैंने लिया भाई यहां पर, तो देखो वन का स्केयर आपका वन का स्केयर ही रहेगा प्लस में टेंजेंट स्केयर आपका टेंजेंट स्केयर ए हो जाएगा प्लस में कितना बचा भाई टू टेंजेंट ए, उसके बाद प्लस में वन का स्केयर वन रहेगा प्लस में टेंजेंट स्केयर ए हो जाएगा ठीक है भाई माइनस में टू टेंजेंट ए भाई ठीक है, ये चीजें आ गई आपकी। अच्छा ध्यान से देखिए पूरी क्वेश्चन में, यहां पर टू टेंजेंट ए प्लस का है यहां पर टू टेंजेंट ए माइनस का, तो आपस में ये चीज कट होगी भाई ठीक है, ये तो बची नहीं आपकी। अब भाई यहां पर देख लीजिए ये प्रॉपर्टी कौन सी होती है भाई, आपको पता होना चाहिए वन प्लस सिकेंट स्क्वायर, मैंने आपको प्रॉपर्टी लिखवाई थी वन प्लस सिकेंट स्क्वायर होता है सॉरी वन प्लस टेन स्क्वायर होता है भाई सिकेंट स्क्वायर ए के इक्वल प्लस में, यहां पर भी यही लगेगा वन प्लस टेन स्क्वायर किसके इक्वल होगा भाई सिकेंट स्क्वायर ए के इक्वल, और रीजन में लिख देना भाई आपने यहां पर क्या लिखोगे वन प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल होता भाई सिकेंट स्क्वायर ए के ठीक है भाई, ये लिख दिया आपने। अब देखिए सेकेंड स्केयर है और सेकेंड स्केयर है कितना हो गया भाई टू सेकेंड स्केयर है, और यही तो आपको प्रूव करना था यहाँ पे, देखो टू सेकेंड स्केयर है लिखा है यहाँ पे ठीक है ना, तो लिख सकते हो अब यहाँ पर आप जो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव लिख देना भाई यहाँ पे हैंस ठीक है भाई, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे सिक्स पे चलते हैं, सिक्स ध्यान से देखो आपको क्या करना है, वन प्लस कोट ए का स्क्वेयर प्लस वन माइनस कोट ए का स्क्वायर, वहां पे भी सिकेंड स्क्वायर को सिकेंड स्क्वायर है, सारे स्क्वायर है तो आपको आइडिया लगी गया होगा, सेम टू सेम प्रीवियस क्वेश्चन है, लेफ्ट हैंड साइड उठाओ और वन प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ ठीक है, तो देखो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी कि वन का स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस में टू कोट ए ठीक है भाई प्लस में वन का स्क्वायर प्लस में कोट स्क्वायर ए माइनस में टू कोट ए, अब आपको पता है ये टू कोटे माइनस का ये टू कोटे प्लस का कट गया भाई ये तो, और यहां देख लो वन प्लस कोट स्क्वायर है, मैं यहां नीचे लिख देता हूं पहले इसको वन प्लस कोट स्क्वायर है, क्या बचा हुआ अपने पास प्लस में वन प्लस कोट स्क्वायर है ठीक है भाई, वन प्लस कोट स्क्वायर है किसके इक्वल होता है भाई आपका कोसिकेंट स्क्वायर के इक्वल, किसके इक्वल कोसिकेंट, और फिर यहां पर वापस वन प्लस कोट स्क्वायर है किसको हो जाएगा भाई कोसिकेंट स्क्वायर के इक्वल, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा वन प्लस वन टू कोसिकेंट स्क्वायर, और आपका यही तो प्रूफ करना था आपने, वहां देख लो राइट हैंड साइड में, तो आप लिख सकते हो वापस अगेन योर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ठीक है भाई, ये हो गया यहाँ पे आपका क्वेश्चन, लास्ट में हैंस प्रूफ लिख सकते हो, रीजन में भी लिख सकते हो यहाँ पर कि आपने वन प्लस कोट स्क्वायर ए को प्रूव किया किसके इक्वल भाई कोसिकेंट स्क्वायर ए के ठीक है भाई, तो यहाँ पर ये भी कर सकते हो आप, क्वेश्चन आपका यहाँ पर सिक्स्थ कंप्लीट हो जाता है,
नेक्स्ट वाला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करते हैं भाई। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था 5th और 6th वाला, वैसे ही सेम टू सेम 7 और 8 है। ये क्वेश्चन अच्छे से किया तो ये वाला अपने आप कर लोगे, बिल्कुल सिंपल है, ध्यान से समझना। पहले बात करते हैं आप इस क्वेश्चन में चेंज कैसे लाए। सुनो ध्यान से, कोसिकेंटे दिया आपको 1 + cos A दिया, ठीक है। यहां पर आपको दिया कोसिकेंटे माइनस में कोटे, तो आपको सारा को पूरे को पूरा सोल्व करके 1 बनाना। आपने क्या बनाना है भाई, यहाँ पे 1 बनाना है। तो आप कैसे इसको 1 बनाओगे, ध्यान से सोचना। आपने देख लो भाई, यहाँ पर कोसिकेंट ए और कोसे दोनों में क्या सेम है और क्या डिफरेंस है। सबसे पहले तो कोसिकेंटे को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/sin लिख सकता हूँ, और ये कोस है, कोस को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, 1/sec लिख सकता हूँ। बट यहाँ पर ये प्लस में, तो इसको चेंज नहीं करेंगे हम। सिंपल आपने क्या चेंज रखना है भाई, कोसिकेंटे को साइन में कन्वर्ट कर दो। तो 1/ में कितना आ जाएगा भाई आपका, साइन ए। इसको एज इट इज रहने दो भाई, ऊपर ही लिख देते हैं इसको 1+ में कोस ए, ठीक है भाई। ये 1+ cos A और इसको मैंने लिख दिया 1/sin A। अब इसको कैसे लिखूंगा, कोसिकेंट को लिख सकता हूं भी मैं यहाँ पे 1/ में साइन ए। क्या लिख सकता हूं भाई यहाँ पर मैं, 1/ में साइन ए माइनस में कोट को लिख सकता हूं मैं, cos/ में साइन ए इजल टू क्या भी अपना 1 है। अब ध्यान से देखो, अब अच्छा तो प्रूव करना है 1 तो क्या लिखना अपने पास, बाद में प्रूव कर देंगे। अब सबसे पहले यहां पे देखो क्या बनेगा, ऊपर बनेगा 1+ में cos A ओवर में साइन A, ठीक है भाई। और यहां पर क्या बनेगा भाई, एलसीएम लोगे अगर आप, साइन साइन है तो सेम ही रहेगा नीचे, तो साइन A ऊपर क्या बन जाएगा भाई, 1 - में cos A। पता आपको जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, यहां पर कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो 1 - cos A और यहां पर लिखा है 1+ cos A। आपने ध्यान से देखा भाई क्या लिखा है, 1+ cos A 1 - cos A। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं भाई, मैं इसको यहां पर लिख सकता हूं a+b a - b। तो आइडेंटिटी किसकी बनती है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a क्या है 1 का स्क्वायर माइनस में, b क्या है भाई cos स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर डिवाइड में साइन, और साइन को मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आता है भाई, साइन स्क्वायर है, क्या आता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपने आइडेंटिटी बार बार आ रही है, रिपीट हो रही है आइडेंटिटी, सो दैट्स आपको लर्न होनी चाहिए यहाँ पे। तो 1 - cos² किसके इक्वल हो जाएगा भाई आपका, 1 - cos² होता है साइन स्क्वायर ए के, डिवाइड में साइन स्क्वायर है ही है, तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया, बचा कितना भाई 1, कितना बचा 1। तो हमने प्रूव कर दिया, सो दैट वी कैन राइट हियर LHS इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है भाई। और हैंस प्रूव हो गया अपना क्वेश्चन यहाँ पे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जिसको ये समझ आया सेम टू सेम अब आगे देख सकते हो, वही करना है यहाँ पे, ठीक है। सेकेंड है तो क्या कर सकते हैं, स्कूल्टा 1/ में कोस, क्या कर सकते हैं 1/ में कोस, ठीक है। और ऊपर क्या भी अपना 1 - sin A, तो मैं यही लिख देता हूँ 1 - sin A इंटू में 1 था यहाँ पे, ठीक है भाई। और यहाँ पे देखिए अब इसको ब्रेक डाउन करेंगे, यहाँ पे सेकेंड को लिख सकता हूँ 1/ में कोस ए, टेन को लिख सकता हूँ साइन ए 1/ में कोस ए। अब आपको पता भी क्या करना है, ये तो एज इट इज रहेगा यहाँ पे 1 - में साइन ए ओवर में कोस ए, बट यहाँ पर 1+ sin A एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है ना भाई, कोस कोस है डिनोमिनेटर, मैंने आपको भी बताया था। तो फिर वापस देखिए ऊपर a+b a - b, तो आइडेंटिटी यू नो दैट की आइडेंटिटी कौन सी लगेगी भाई आपके, यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है भाई। और यहाँ पर कोस स्क्वायर, पता ना कोस कोस नीचे कोस स्क्वायर हो गया ऊपर। अच्छा स्क्वायर करो या ना करो बात एक ही होती है, मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पे भी स्क्वायर करो या ना करो बात एक ही होती है, क्योंकि स्क्वायर करके भी 1 ही आना है, क्या ना 1 ही आना है। तो 1 - cos² लिख सकते हो, आपको आइडेंटिटी पता है। वैसे यहाँ पे 1 - sin² की आइडेंटिटी पता है, कोस स्क्वायर होती है, क्या होती है भाई कोस स्क्वायर, और नीचे तो कोस स्क्वायर है ही है भाई, तो कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कट गया, बचा कितना भाई अपना यहाँ पर 1 बचा, और यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन था कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि आपको 1 ही प्रूव करना था। लास्ट में यू कैन राइट हियर LHS इज इक्वल टू RHS, नाउ द क्वेश्चन इज कंप्लीट, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर भाई हमारा जो है ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे दोनों, अलग अलग पैटर्न नहीं है यहाँ पे, सेम पैटर्न है, जो इसमें किया वैसे इसमें किया था। वैसे पिछले वाला 6th और 7th क्वेश्चन था, उन दोनों में भी हमने, सॉरी 5th और 6th क्वेश्चन था, उन दोनों में भी हमने यही किया था, ठीक है। एक ये वाला सेम था तो ये भी सेम था, ठीक है। नेक्स्ट वाला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 करते हैं भाई। यहाँ पर देखिए आपके पास 9th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कोसिकेंट थीटा माइनस साइन थीटा, सिकेंट थीटा माइनस कोस थीटा यहाँ पे, और 10+ cot, आपको सारे को 1 में चेंज करना है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं, सबसे पहले कोसिकेंट को हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे भी साइन आ सकता है, ठीक है। कैसे करूंगा इसको मैं, कोसिकेंट को लिख सकता हूँ 1/ में साइन थीटा, माइनस में कितना भाई साइन थीटा, इसको एज इट इज रहने दो, एलसीएम लेंगे आगे, ऐसे सेम टू सेम इसको चेंज कर लो,
वन अपॉन में कोस थीटा और माइनस में कोस थीटा एज इट इज रहेगा भाई, ठीक है भाई। उसके बाद इसको भी चेंज कर सकता हूं मैं, यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ साइन थीटा वाई में कोस थीटा प्लस में, और कोट को लिख सकता हूँ यहां पर मैं कोस थीटा वाई में साइन थीटा, ठीक है भाई। ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है और इसको थोड़ा सा ओपन भी कर लिया है यहाँ पे, ठीक है। अब एलसीएम यहाँ पर ले रहा हूं मैं, देखो भाई ध्यान से, नीचे एलसीएम साइन ही रहेगा भाई, ठीक है साइन थीटा। ऊपर देखो वन को वन से करता हूं तो वन, माइनस में साइन को साइन से करता हूं तो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई। यहां पर साइन स्क्वायर थीटा हो गया भाई। यहां पर भी एलसीएम ले लीजिए, देखिए यहां पर एलसीएम आ जाएगा भाई आपका नीचे, कोस को वन से करते हैं तो कोस थीटा ही होता है आपको पता है। वन को वन से करेंगे वन, माइनस का साइन कोस को कोस से करें भाई कोस स्क्वायर थीटा। चलो भाई अब यहां पे एलसीएम ले लेते हैं साइन थीटा कोस थीटा, एलसीएम कितना आएगा भाई नीचे, ये आएगा सेम टू सेम साइन थीटा कोस थीटा। साइन को साइन से कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा भाई साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में कोस को कोस से कर रहे हैं भाई कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई। इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं यहां पर। अब देखिए साइन थीटा कोस थीटा हमारा नीचे डिवाइड में है, मल्टीप्लाई होकर नीचे क्या बन जाएगा भाई, ये साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। ध्यान से सुनते रहिए, मैं जो आइडेंटिटी लगा रहा हूं, वन माइनस साइन स्केयर थीटा किसके कुल होता है, कोस स्केयर थीटा के, किसके कोस स्केयर थीटा के, और वन माइनस कोस स्केयर थीटा किसके कुल होता है साइन स्केयर थीटा के, किसके साइन स्केयर थीटा के। तो ये था अपना क्वेश्चन यहाँ पे। अब सेम टू सेम इसको देखो, यहाँ पर साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा किसके कुल होता है वन के, ऊपर लिखेंगे वन, नीचे कितना भाई साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है भाई। ये कोस है भाई यहां पर। अब देखिए ऊपर कोस स्क्वायर थीटा, यहां पे साइन स्क्वायर थीटा, नीचे देखिए साइन थीटा कोस थीटा, और यहां पे भी साइन थीटा कोस थीटा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाला भी स्क्वायर में हो जाएगा, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूं। ऊपर देखो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा है, नीचे भी कितना हो जाएगा भाई, देखो साइन को साइन से करूंगा मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा, कोस को कोस से करूंगा कोस स्क्वायर थीटा, पूरा कट के क्या बचा भाई वन बचा, और हमने बचाना भी वन ही था यहां पर। तो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड था वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, लिख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यहां पे भी लिख देना फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से लिया था आपने, और आपका क्वेश्चन यहां पे कंप्लीट हो जाता है। देखा नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट भी ऐसे ही करना भाई सेम टू सेम। पहले इनको ब्रेक डाउन कर लेते हैं, कोसेकेंट को आप लिख सकते हो किसमें भाई साइन में, वन अपॉन में साइन ए, और यहां पर क्या लिखा भाई आपका साइन ए ही है, ठीक है भाई। उसके बाद यहां पर देख लीजिए कोसेकेंट है तो इसको भी लिखूंगा मैं नीचे, वन वन माइनस में साइन ए, माइनस में साइन ए है भाई इज इक्वल टू, ये तो प्रूव करना है चलो हमने, ठीक है। अच्छा एक चीज ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या लिखा था वन बाय साइन थीटा माइनस साइन थीटा, तो अपना पूरा क्या बना था, ये बना था वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा, वैसे यहाँ पे भी है वन माइनस साइन ए अपॉन वन अपॉन साइन माइनस में साइन ए, तो ये भी ऐसे ही बनेगा। पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे देखिए एलसीएम क्या आएगा यहाँ पर अगर करेंगे चेंज से, तो अपना एलसीएम आ जाएगा भाई यहाँ पर नीचे तो साइन ए आ जाएगा, ऊपर वन को वन से करेंगे वन, प्लस में साइन को साइन से करते हैं साइन स्क्वायर ए, ठीक है भाई। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, साइन को साइन से करेंगे तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर है, नीचे एलसीएम आपको पता है भाई साइन ही रहेगा, ठीक है। चलो भाई अब आगे देखिए क्या होगा, वन प्लस साइन ही तो एज इट इज भाई, ठीक है वन प्लस में साइन स्क्वायर है एज इट इज लिखेंगे, नीचे भी साइन एज इट इज रहेगा भाई आपका, बट ये वाला वन माइनस साइन स्क्वायर चेंज हो जाता है किसमें भी कोस स्क्वायर में, पता ना आपको कोस स्क्वायर ए में चेंज हो जाएगा, और नीचे क्या भाई साइन स्क्वायर है, सॉरी साइन ए आएगा, अब बाद में स्क्वायर होगा ये, ठीक है भाई सिर्फ साइन ए है यहाँ पे, नीचे साइन ए था ना, और ये दोनों मल्टीप्लाई में। चलो भाई मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनको, कैसे करेंगे अब देखो ध्यान से, कोस स्क्वायर को वन से करूंगा तो क्या हो जाएगा भाई कोस स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, अब प्लस का साइन, प्लस का साइन, साइन स्क्वायर ए को कोस स्क्वायर ए से करूंगा तो क्या हो जाएगा भाई साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए, डिवाइड में कितने भाई इसके डिवाइड में साइन इंटू साइन कितना हो जाएगा भाई साइन स्क्वायर ए। चलो भाई ये आ गया आपका, यहां तक समझ आया बिल्कुल सिंपल है। अब इनको अलग अलग कर देते हैं, बोथ साइड डिवाइड कर दूंगा मैं, तो लिखूंगा कोस स्क्वायर ए अपॉन में कोस स्क्वायर ए को भी नीचे एक बार साइन स्क्वायर ए से डिवाइड करूंगा, प्लस में इस वाली टर्म को भी नीचे वाले टर्म से एक बार डिवाइड करूंगा, कितना भाई नीचे साइन स्क्वायर ए। अब देखिए कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा भाई, ये कोट स्क्वायर इक्वल किसके इक्वल हो जाएगा भाई कोट स्क्वायर ए के, प्लस में साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया बचा क्या भाई कोस स्क्वायर ए, क्या बचा कोस स्क्वायर ए, और यही तो चीज आपको प्रूव करनी थी भाई क्वेश्चन में। देख लो सिर्फ तीन चार स्टेप में क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका, लास्ट में लिख देना आपने एक लाइन, आपको पता है क्या भाई लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड यू हैव प्रूव दिस क्वेश्चन, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 10 आपका हो चुका है, नेक्स्ट वाला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, यहाँ पर 11 और 12 में देखो क्या दिया हमें, यहाँ पर
ये जो 11th वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ ना मैं, सेम टू सेम प्रीवियस क्वेश्चन जो करके आया ना 10th क्वेश्चन वैसा ही है, बस यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का चेंज है, बाकी सारा क्वेश्चन की स्टेटमेंट सेम ही मिलेगी आपको, करना भी सेम ही है। क्या क्या था पहले इसको ओपन किया था हमने पिछले वाले क्वेश्चन में, वन अपॉन में सिकेंड को लिख सकता हूँ मैं कोस ए प्लस में, यहाँ पर भी देखा आपको कोस ए, ठीक है देखा पिछला स्टेप सेम है, यहाँ पे फिर वापस वन अपॉन कोस ए माइनस में भी आपको क्या देखा भाई कोस ए, ठीक है भाई लेफ्ट हैंड साइड से कर रहे हैं। एलसीएम लिया था फिर हमने भाई यहाँ पर, आपको पता नीचे कोस ही आया था, ऊपर वन को वन से करेंगे वन प्लस में कोस को कोस से करेंगे भाई कोस के रे, ठीक है ऐसे सेम टू सेम नीचे साइड करेंगे भाई हम, वन को वन से करेंगे वन माइनस में कोस को कोस से करेंगे भाई कोस के रे, और डिवाइड में कितना भाई कोस को वन से करते हैं बटा कोस ए। चलो भाई अब कोस को कोस से कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर अपना ये कोस के रे हो जाएगा आपको पता है, ठीक है और ऊपर देखो वन प्लस कोस के रे तो एज इट इज, और आपको आइडेंटिटी पता है वन माइनस कोस के रे किसके इक्वल होता है भाई साइन के रे के, ठीक है भाई। अब हमने क्या किया था इसको अंदर मल्टीप्लाई किया था, साइन को वन से करता हूं तो भाई आएगा साइन के रे फिर प्लस का साइन, साइन के रे को कोस के रे से करता हूं तो भाई क्या आ जाएगा साइन के रे कोस के रे, ठीक है डिवाइड में इसके नीचे क्या आ जाएगा कोस के रे, मैंने स्प्लिट कर दिया भाई यहां पर कोस के रे इन दोनों के नीचे था बट मैंने स्प्लिट कर दिया कोस के रे यहां पर भी और कोस के रे यहां पर भी। देखो भाई साइन अपॉन कोस किसके इक्वल होता है अपना यहां पर टेन स्केयर ए के इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है भाई टेन स्केयर ए के प्लस का साइन, कोस स्केयर से कोस स्केयर कट गया तो क्या बच गया भाई साइन स्केयर बच गया, क्या बच गया साइन स्केयर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आपने लिखना तो पहले साइन स्केयर लिख दो फिर टेन स्केयर लिख दो, ऐसे भी लिख सकते हो कोई बड़ी बात नहीं है, तो बात सेम ही रहेगी। तो यही प्रूव करना था साइन स्केयर ए प्लस टेन स्केयर ए, और यहां पर आपका क्वेश्चन है जो कंप्लीट हो जाता है, लिख देना लास्ट में लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखा भाई मैंने आपको पहले भी बताया था सेम ही क्वेश्चन है जैसे पिछला किया था हमने 11th वाला सॉरी 10th वाला सेम टू सेम 11th था, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट आपको क्या दिया भाई हमें यहाँ पर साइन स्केयर दे रखा है प्रूव करना है इसको, वैसे यहाँ पर टेन स्केयर है तो हमने यहाँ पर भी साइन स्केयर टेन स्केयर माइनस साइन स्केयर है, टेन को हमने कन्वर्ट करना पड़ेगा साइन में तब जाके क्वेश्चन सोल्व होगा स्क्वेयर में। तो देखो भाई टेन को क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर साइन स्केयर ए अपॉन में कोस स्केयर है, पता ना साइन अपॉन कोस होता है टेन का फॉर्मूला, और यहां पर क्या भी अपने पास यहाँ पे साइन स्केयर लिखा, क्या लिखा है साइन स्केयर। अच्छा अब इन दोनों में क्या चीज सेम है वो देखो ध्यान से देखो जो मैं बोल रहा हूँ, इन दोनों में से क्या चीज सेम लग रही है आपको वो निकालनी है वो करेंगे यहाँ पे सोल्व। तो देखो भाई अगर मैं इन दोनों में से पहले इसको एलसीएम लेके सोल्व कर लेता हूँ थोड़ा सा, कोस को वन से करता हूँ तो कोस स्केयर, ठीक है भाई ऊपर देखो वन को साइन से करूंगा तो साइन स्केयर है, क्या आएगा भाई साइन स्केयर माइनस में कोस को इससे करता हूँ तो भाई साइन स्केयर कोस स्केयर, ठीक है भाई। अब इन दोनों में से देखो क्या चीज कॉमन निकल रही है, साइन स्केयर यहाँ पे भी है साइन स्केयर यहाँ पे भी है तो मैं साइन स्केयर कॉमन ले रहा हूँ भाई, क्या ले रहा हूँ साइन स्केयर ए कॉमन ले रहा हूँ यहाँ पर, अंदर क्या बचेगा देखो भाई यहाँ से तो चला गया साइन स्केयर है, ध्यान से देख लो जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ से मैंने साइन स्केयर है बाहर ले लिया तो यहाँ पे वन बचा, क्या बचा भाई यहाँ पे वन बचा माइनस का साइन, यहाँ से साइन ए स्केयर चला गया तो ठीक है यहाँ पे क्या बचा कोस स्केयर है, और डिवाइड में क्या भाई अपना यहाँ पर कोस स्केयर है, क्या है कोस स्केयर। चलो भाई साइन स्केयर एज इट इज वन माइनस कोस स्केयर किसके इक्वल होता है साइन स्केयर के, किसके होता है साइन स्केयर डिवाइड में क्या भाई कोस स्केयर, और आपको पता भाई साइन स्केयर बाई कोस स्केयर किसके इक्वल होता है अपना पता ना टेन स्केयर ए के इक्वल, किसके इक्वल भाई टेन स्केयर ए के इक्वल। अब ध्यान से देख लो साइन स्केयर है टेन स्केयर है यही तो आपको प्रूफ करना था, देखा बिल्कुल दो तीन स्टेप में खत्म हो गया क्वेश्चन आपका, लास्ट में लिख देना आपने लेफ्ट हैंड साइड आपने प्रूव कर दिया राइट हैंड साइड के इक्वल एंड नाउ द क्वेश्चन इज कंप्लीट, ठीक है भाई क्वेश्चन नंबर 12 आपका हो चुका है, नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। यहां पर आपको 13 क्वेश्चन करने से पहले मैं बता दूं जैसे क्वेश्चन हमने 12 किया था और वैसे ही क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 करना है, ध्यान से देखो मेरी बात सुनो। यहां पर देखा आपको सेकेंड स्केयर ए को सेकेंड स्केयर ए इज इक्वल टू सेकेंड स्केयर को सेकेंड, यहां पे प्लस में है और इस साइड जाके मल्टीप्लाई में दोनों चीजें सेम टू सेम, ये भी सेकेंड है भी कोसेकेंड, ये भी सेकेंड है भी कोसेकेंड, ठीक है ऐसे ध्यान से यहां देखो कोट और कोस माइनस में है बट यहां पर मल्टीप्लाई में, तो मैं यही चीज बता रहा हूं आपको जो 12th क्वेश्चन किया था हमने वो भी सेम टू सेम था आपने देखा था, तो इसको भी ऐसे करना है। ध्यान से देखो अब क्या करेंगे, सबसे पहले मैं क्या करूंगा कोट को कन्वर्ट कर दूंगा भाई किसके अंदर साइन कोस में, क्योंकि हमने कोस भी बनाना है यहां पर, तो कोट को लिख सकता हूं मैं कोस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए माइनस में क्या भी अपना कोस स्केयर है, क्या है कोस स्केयर ए, ठीक है भाई। रीजन में आप लिख सकते हो यहां पर कि आपने कोट को कन्वर्ट किया है कोस स्केयर ए ओवर साइन स्केयर ए में, ठीक है भाई
साइड में शो कर देना, ठीक है भाई। अब देखो यहां पर मैं एलसीएम लेता हूँ इन दोनों का, अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो नीचे एलसीएम आएगा साइन स्क्वायर, कितना आएगा भाई साइन स्क्वायर ए आएगा एलसीएम। उसके बाद अब देखो वन को कोस से कर रहा हूं तो कितना आ जाएगा भाई कोस स्क्वायर ए माइनस में, साइन को इससे करूंगा तो कितना आ जाएगा भाई अपने पास यहाँ पे कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, ठीक है भाई। अब ध्यान से एक चीज देखिए, दोनों में कोस स्क्वायर है, क्या है दोनों में कोस स्क्वायर है, तो मैं क्या लिखूंगा भाई यहां पर कोस स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, क्या ले लूंगा कोस स्क्वायर ए कॉमन ले लूंगा, तो अंदर क्या बचेगा यहां से तो कोस स्क्वायर चला गया तो वन बचा, क्या बचा है वन माइनस का साइन, यहां से कोस स्क्वायर चला गया तो साइन स्क्वायर ए बचा, क्या बचा साइन स्क्वायर ए, और डिवाइड में कितना भी अपने पास साइन स्क्वायर है कितना भाई। अच्छा ध्यान से देखो ये कोस स्क्वायर है तो अलग से लिखेंगे यहां पर, अब ये देखो वन माइनस साइन स्क्वायर है किसके कुल होता है भाई, हमने आइडेंटिटी सीखी थी वन माइनस साइन स्क्वायर होता है कोस स्क्वायर के, किसके कुल होता है भाई कोस स्क्वायर के, तो मैं लिखूंगा यहां पर कोस स्क्वायर ए, ओवर में कितना आ जाएगा भाई साइन स्क्वायर है कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखो कोस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर, फिर वापस कोस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर किसके कुल होता है कोट स्क्वायर का, तो मैं इसकी जगह पे क्या लिखूंगा कोट स्क्वायर, तो वापस देखो कोस स्क्वायर तो एज इट इज और यहां पे आ जाएगा कोट स्क्वायर ए, और यहां पर आपका जो क्वेश्चन था भाई कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 13। देखा बिल्कुल सिंपल था, हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड प्रूव कर दिया, सो यू कैन राइट हियर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हेंस प्रूव, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, सेम है बिल्कुल, ध्यान से देखिए यहां पे भी सिकेंट है यहां पे भी सिकेंट है यहां पे कोसिकेंट है यहां पे कोसिकेंट है, तो आपको करना है क्या बस इसको चेंज कर लो, सिकेंट को आप लिखोगे यहां पे वन बाय में कोस स्क्वायर ए, क्या भाई वन बाय में कोस स्क्वायर ए प्लस का साइन, कोसिकेंट को लिखोगे आप वन बाय में साइन स्क्वायर ए, ठीक है भाई। और आपने लिख देना ऊपर फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, यहां पर भी लिख देना फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड कर रहे हो आप फ्रॉम एल एच एस, और यहां पर भी लिख देना फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है भाई फ्रॉम एल एच एस। चलो भाई दोनों को देखो एलसीएम ले लो नीचे, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा भाई साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए, ठीक है, और ऊपर हो जाएगा देखो साइन स्क्वायर ए को वन से करोगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए को वन से करोगे तो कोस स्क्वायर ए, तो आपका किसके इक्वल हो जाएगा देखो साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए, आपको आइडेंटिटी पता है ना साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल होती है भाई वन के इक्वल होती है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे भाई वन लिख दोगे ऊपर, तो डिवाइड में कितना आ जाएगा नीचे बचेगा कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, ठीक है भाई। अच्छा अब इनको अलग अलग करेंगे और ऊपर कन्वर्ट कर देंगे, कैसे करेंगे देखो मैं लिख सकता हूं वन अपॉन में कोस स्क्वायर ए इंटू वन अपॉन में साइन स्क्वायर ए। अच्छा अब आप ध्यान से सुनो वन अपॉन कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी आपको पता है, मैं स्क्वायर अगर हटा दूं आप ये सोचोगे मैं स्क्वायर लगा रहा हूं, तो स्क्वायर वाली तो आइडेंटिटी हमने की नहीं थी, तो नॉर्मल तो की थी ना, वन अपॉन कोस किसके था सिकेंट के था और स्क्वायर है तो दैट्स वाई सिकेंट स्क्वायर हो गया, ठीक है भाई, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर सिकेंट स्क्वायर ए डॉट, वैसे साइन है साइन किसका अपोजिट होता है कोसिकेंट का, तो लिख सकता हूँ कोसिकेंट स्क्वायर ए, और जो मैं आइडेंटिटी बोल रहा हूँ ना साथ साथ में साइड में आप साइड में मेंशन कर दिया करो कि हाँ भाई मैंने इसमें ये आइडेंटिटी लगाई है इसके कन्वर्जन के लिए मैंने ये किया है वो किया जो भी है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा फाइनल, और सिकेंट स्क्वायर ए कोसिकेंट स्क्वायर आपका फाइनल आंसर आ गया जो आपको प्रूव करना था, ठीक है। सो यू कैन राइट हियर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, अनदर क्वेश्चन इज प्रूफ, ठीक है भाई यहाँ पे अपना क्वेश्चन प्रूव हो चुका है क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 15 और 16 करते हैं, यहाँ पे देखिए हमारे पास 15 में क्या दिया भाई टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस में 2। अच्छा सबसे पहले तो यहाँ पर आपने चेक करना है क्या कोई आइडेंटिटी फॉर्म हो रही है भाई, तो आप देख सकते हो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 ए बी, हम यहाँ पर ए बी लगा सकते हैं कैसे देखो यहाँ पर ध्यान से मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर टेन ए का स्क्वायर प्लस में कोट को लिख देता हूं मैं यहाँ पे कोट ए का होल स्क्वायर, ठीक है भाई प्लस में 2 ए क्या भाई आपका 10 क्या है 10 बी क्या भाई आपका कोट क्या है कोट ए। अब ध्यान से सुनिए 10 को कोट से मैं लिखने का कोई फायदा नहीं है यहाँ पे, क्यों नहीं है फायदा आपको जानते हो इस बात को, क्योंकि मैं 10 को लिख सकता हूं 1 अपॉन कोट, कोट से कोट कट जाएगा, देखाता हूं देखो मैं ध्यान से आपको यहाँ पे साइड में करके 2 10 और कोट को मैं लिख सकता हूँ 1/10 क्या लिख सकता हूँ 1/10 10 से 10 कट गया तो 2 बन जाए 2 ही बचेगा ना, तो 10 कोट तो कट सकते हैं, तो इनको लिखो या ना लिखो फर्क नहीं पड़ेगा, बट मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको पता चल सके कि यहाँ पे आइडेंटिटी लगी है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 ए बी, मेरी बात समझ आई। अब इसको क्लोज कर दो आइडेंटिटी को, किसकी आइडेंटिटी होती है भैया ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 ए बी, ये होती है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, किसकी होती है भैया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए है आपका 10 ए तो लिखो 10 ए प्लस में बी आपका कोट ए तो लिखो कोट ए
इसका होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी मैंने क्लोज कर दी यहाँ पे, ठीक है। अब इसको ओपन कर लो, टेन को ओपन करूंगा मैं, किस में जाएगा भाई, साइन ए में, ओवर में कोस ए प्लस में, इस कोड को ओपन करोगे तो कोस ए बाय में साइन ए, इसका होल स्क्वायर। उसके बाद नीचे एलसीएम मारेगा भाई, साइन कोस, ठीक है भाई, कोस ए साइन ए, ऊपर देखो साइन को साइन से करोगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस में, कोस को कोस से करोगे तो कोस स्क्वायर ए, इसका होल स्क्वायर भाई, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखो, साइन प्लस कोस कितना हो जाता है भाई, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर होता है वन के इक्वल, आपको पता है मैंने आइडेंटिटी कराई है, तो ऊपर वाली टर्म वन होगी, क्या होगी भाई, ऊपर वाली टर्म वन, और नीचे क्या बचा भाई आपका, कोस ए साइन ए, क्या बचा बेटा यहाँ पे, कोस ए साइन ए, और साथ में उसका हो जाएगा यहाँ पर भाई होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इज इक्वल टू, अब वन का स्क्वायर तो वन ही रहेगा आपको पता है, नीचे कोस का स्क्वायर हो जाएगा भाई कोस स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए डॉट वन का स्क्वायर वन ओवर में, साइन का करेंगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, एंड यू नो दैट कि वन अपॉन कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होता है भाई, अपना सेकेंड स्क्वायर ए के, किसके, सेकेंड स्क्वायर ए के डॉट वन अपॉन साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है भाई, कोसेकेंट स्क्वायर ए के, किसके, और आपको यही तो प्रूव करना था क्वेश्चन में, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल, ठीक है। तो आप ऊपर भी लिख देना फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड की, आपने फ्रॉम एल एच एस एंड नाउ यू गेन आर एच एस, सो एल एच एस इज इक्वल टू आपका इसके लोगे भाई आर एच एस के, एंड हेंस प्रूव, ठीक है भाई, आपका क्वेश्चन नंबर 15 है कंप्लीट हो जाता है। 16 पे चलते हैं, 16 में देखिए आपको क्या दिया है, साइन ए साथ में वन प्लस टेन ए प्लस में कोस ए फिर साथ में वन प्लस कोटे, उस पूरे को प्रूव करना आपने इसके इक्वल। तो आप पहले तो एक ही लाइन लिखोगे, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड फ्रॉम एल एच एस, तो साइन ए तो एज इट इज लिखो भाई, ठीक है, वन प्लस टेन ए को। अच्छा ध्यान से देखो भी इसमें करोगे क्या आप, यहाँ पे क्या देखा है, सिकेंट और कोस सिकेंट है, ये किसके अपोजिट होते हैं, साइन कोस के, तो आपको पूरी टर्म को साइन और कोस में ही लाना है, किसमें लाना है, पूरी टर्म को साइन और कोस में, दैट्स वाई मैं टेंजेंट को भी साइन कोस में करूंगा। अब तो साइन ए तो एज इट इज, ब्रैकेट स्टार्ट वन प्लस में, टेन को लिख सकता हूँ भाई मैं यहाँ पे साइन ए अपॉन में कोस ए, ठीक है, इसको तो मैंने कर दिया, अगला कोस एज इट इज लिखो भाई, और ऊपर क्या भी आपका वन प्लस में कोट को लिख सकता हूँ कोस ए अपॉन में साइन ए, चलो भाई। अब अच्छा इनके अंदर एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे, तो साइन ए तो एज इट इज, अंदर एलसीएम कितना आ गया भाई, कोस आ गया, ऊपर कोस ए प्लस साइन ए, क्या भाई, ठीक है, प्लस में कोस ए एज इट इज भाई, एलसीएम कितना नीचे साइन ए भाई, और साइन ए को वन से करते हैं साइन ए, प्लस में कोस को वन से करेंगे कोस ए, ये लो भाई हमने यहाँ पर ये कर दिया। अच्छा एक चीज ध्यान से देखो, दोनों में कुछ चीज कॉमन है, वो आप ढूंढो यहाँ पे, देखो यहाँ लिखा है साइन ए प्लस कोस ए, क्या लिखा है, साइन ए प्लस कोस ए, यहाँ पे भी साइन ए प्लस कोस ए सेम है ना, तो मैं दोनों से साइन ए प्लस कोस ए बाहर निकाल सकता हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, साइन ए प्लस में कोस ए बाहर निकाल दिया मैंने, ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा भाई मेरे पास, साइन ए बचा है, ठीक है, बाय में, नीचे क्या बचा, कोस ए प्लस का साइन, ऊपर बचा कोस ए, नीचे बचा साइन ए, क्योंकि ऊपर वाली टर्म और ये ऊपर वाली टर्म तो बाहर आ गई यहाँ पे, ठीक है, अब ये चीज बची है मेरे पास, ये तो एज इट इज रहेगी, इसका एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, बस क्वेश्चन खत्म हो जाएगा फिर आपका। देखो भाई साइन ए प्लस में कोस ए तो बाहर एज इट इज रहेगा, अंदर देख लो कोस ए साइन ए, नीचे एलसीएम आ जाएगा कोस ए साइन ए, कोस ए साइन ए, ठीक है, साइन को साइन से करूंगा तो साइन स्क्वायर ए, कोस को कोस से करूंगा तो कोस स्क्वायर ए, अब देखो भाई साइन ए कोस ए तो एज इट इज, और इसके नीचे क्या ले लूंगा मैं, कोस ए साइन ए ले लूंगा, इसके नीचे ये ले लूंगा, अब आप बताओ ये कहां गया, सोचो कहां गया, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए या साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, यू कैन से दैट ये हमारा वन हो गया, क्या हो गया भाई ये वन, आपको मैंने बता रखा आइडेंटिटी हर बार यूज होती है ऐसी आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर, देखो कितनी बार यूज हुई है, बार बार आइडेंटिटी यूज हुई है तब भी आप याद कर सकते हो, बट मैंने आपको पहले बोला है याद पहले करने क्वेश्चन बाद में करने, क्योंकि क्वेश्चनों में बिना देखे यूज करोगे बार बार यूज करोगे तो आपको लर्न हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो भाई यहाँ पे अब, अच्छा मैंने ऊपर प्लस नहीं लिखा, प्लस भी साइन था भाई, अब मैं इनको सेपरेट कर दूंगा, साइन के नीचे भी है और कोस के नीचे भी है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन ए अपॉन में, दोनों लिखो भाई कोस ए साइन ए,
फिर प्लस का साइन ये वाला, फिर कोसे के नीचे भी दोनों, क्या भाई कोसे के नीचे भी दोनों, क्या भाई साइने कोसे, साइने कोसे, चलो भाई साइन से साइन काट दो, ऊपर क्या बचा वन, कोस से कोस काट दो, ऊपर बचा वन, तो क्या बचा आपके पास, यहां बचा वन अपॉन कोसे, वन अपॉन कोसे प्लस में यहां बचा वन अपॉन साइने, वन अपॉन साइने, तो वन अपॉन कोस किसके इक्वल होता है, यू नो दैट कि हमारा वन प्लस कोस होता है भाई नीचे, वो होता है सिकेंट के इक्वल, किसके सिकेंट के प्लस में, वन अपॉन साइने किसके इक्वल होता है भाई कोसिकेंट के, किसके कोसिकेंट के, और आपका क्वेश्चन यहां पे कंप्लीट हो जाता है। लास्ट में आप एक लाइन लिख देना, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और आपका जो क्वेश्चन अभी कंप्लीट हो जाता है 16। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं अभी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके पास, देख लो इतने इजी हैं स्टेटमेंट्स, आपको देखते सर पता चल जाए क्या करना है, बस आपको वहां पर फॉर्मूला और आइडेंटिटी यूज करने है, ठीक है। नेक्स्ट वाला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 और 18 करते हैं भाई। यहाँ पे देखिए वन प्लस टेन स्क्वायर दे रखा आपको, यहाँ पे वन प्लस कोट स्क्वायर इज इक्वल टू वन, हमने प्रूव करना है यहाँ पे, ठीक है। तो वन प्लस टेन स्क्वायर की आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए भाई, वन प्लस टेन स्क्वायर किसके इक्वल होता था, हमने पढ़ा था सेकंड स्क्वायर के इक्वल, किसके इक्वल भाई सेकंड स्क्वायर प्लस में, ये भी एज इट इज है भाई, वन प्लस कोट स्क्वायर किसके इक्वल था भाई कोसेकेंट स्क्वायर के इक्वल टू वन। अब आपको पता है प्रूव करना है वन, अच्छा बाद में लिखेंगे तो प्रूव ही करना हमने, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पर सबसे पहले फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखना भाई आपको, फ्रॉम लेफ्ट एल एच एस लिख दो यहाँ पे, वन बाय सेकेंड स्क्वायर यानी कि वन अपॉन सेकेंड किसके इक्वल होता था भाई कोस के इक्वल होता था, सो दैट हम यहाँ पे लिख देंगे वन अपॉन में सेकेंड स्क्वायर किसके इक्वल हो गया भाई यहाँ पर ये कोस स्क्वायर ए के इक्वल प्लस में, यहां पर है भाई आपका कौन सा भाई ये वन अपॉन कोस, वन अपॉन कोसेकेंट स्क्वायर किसके इक्वल होता था भाई साइन स्क्वायर ए के इक्वल, और आपको पता है भाई साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है भाई वन के इक्वल, सो ये डायरेक्ट वन हो गया, और हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल हो जाएगी राइट हैंड साइड के, और ये छोटा सा क्वेश्चन था बिल्कुल, दो पॉइंटों में आपने यहाँ पे प्रूव कर दिया इसको, ठीक है। अच्छा साइड में आइडेंटिटी लिखनी है तो लिख देना आप यहाँ पे कि जो वन अपॉन सेकेंड स्क्वायर है वही हुआ है किसके इक्वल भाई कोस स्क्वायर ए के इक्वल, ठीक है, और जो वन अपॉन कोसिकेंट स्क्वायर है वो साइन स्क्वायर ए के इक्वल, उसके बाद साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए वन के इक्वल है, आइडेंटिटी साथ में आप लिख सकते हो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है भाई। अगला वाला देख लो, 18 वाला कर रहे हैं यहाँ पे, अब नीचे हम एलसीएम लेंगे यहाँ पे, क्या लेंगे पहले तो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड करेंगे भाई यहाँ पर, फ्रॉम एलएचएस तो नीचे एलसीएम आएगा भाई, एलसीएम में क्या लिखेंगे हम यहाँ पे वन प्लस साइन ए वन माइनस साइन ए, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा वन माइनस में साइन ए, देखो वन माइनस साइन ए यहाँ पे आ जाएगा और ऊपर हो जाएगा भाई प्लस में वन प्लस साइन ए, वन प्लस में साइन ए, अच्छा ध्यान से देखो अब ऊपर हम करेंगे नीचे, नीचे तो आइडेंटिटी लगी ए प्लस बी ए माइनस बी, तो आपको पता आइडेंटिटी क्या होती है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, सो यू कैन राइट वन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, क्या लिखेंगे नीचे भाई वन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, और वन का स्क्वायर तो करने की जरूरत नहीं है वन ही रहना है, ऊपर देख लो आप लिखोगे वन माइनस में साइन ए प्लस में वन प्लस में साइन ए, अब एक साइन प्लस का एक माइनस का कट गया भाई, ऊपर वन प्लस वन ऊपर कितना बचा भाई टू बचा है, ठीक है, और नीचे कितना बचा वन माइनस साइन स्क्वायर है, वन माइनस में साइन स्क्वायर है टू एज इट इज भाई, नीचे वन माइनस साइन स्क्वायर कौन सा होगा भाई यहां पर कोस स्क्वायर है इज इक्वल टू, और वन अपॉन कोस स्क्वायर है किसके इक्वल होता है भाई सेकेंड स्क्वायर है इक्वल, तो टू सेकेंड स्क्वायर है, और यही तो आपको प्रूव करना था क्वेश्चन नंबर 18 में, यही करना था आपको टू सेकेंड स्क्वायर है, सो यू कैन प्रूव हियर सेकेंड स्क्वायर इक्वल, ठीक है, सो हम यहाँ पे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल, और यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 18 है कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं भाई, यहाँ पे 19 में देखिए आपको क्या दिया है, सबसे पहले देखिए कोसे है नीचे और वन प्लस साइन है, आपको सेकेंड बनाना, तो आपको नॉर्मल चीजें याद रखनी है कि आपको कोस की फॉर्म में वैल्यूज लेके आनी है, ठीक है, तो सबसे पहले मैं नीचे एलसीएम लूंगा भाई, लिख दो यहाँ पे फ्रॉम एलएचएस, ठीक है भाई, लेफ्ट हैंड साइड से यूज कर रहे हो आप, तो नीचे एलसीएम आ जाएगा भाई कितना कोसे और वन प्लस साइन है, एलसीएम कितना अभी कोसे वन प्लस में साइन है, ठीक है भाई, ऊपर क्या आएगा साइन ए वन प्लस साइन ए, देखो दोनों सेम है ना, वन प्लस साइन ए वन प्लस साइन ए, मल्टीप्लाई करोगे तो पावर एड होगी, यानी कि वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया भाई, क्या हो गया वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, फिर प्लस का साइन डालना भाई आपने यहाँ पे, कोसे को कोसे से करोगे तो कोस स्क्वायर ए, ठीक है भाई, चलो अब इसको ओपन कर लेते हैं भाई, यहाँ पे वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको लगाना है यहाँ पे, ए का स्क्वायर यानी कि वन का स्क्वायर प्लस वन, वन का स्क्वायर तो वन ही रहेगा, साइन का स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस में,
ए स्केयर हो गया, बी स्केयर हो गया, प्लस टू ए बी। टू ए बी में क्या आएगा, टू साइन ए आएगा, अभी क्या आएगा, टू साइन ए, ठीक है, और प्लस का साइन। अब ये तो हमने पूरा ओपन कर लिया भाई, अब इसको एज इट इज लिख दो, कोस्केयर को कोस्केयर एज इट इज लिख दिया भाई, ठीक है, और डिवाइड में क्या बचा भाई अपने पास, वही चीजें जो है थी, कोसे और वन प्लस में साइन ए। अब ध्यान से देखो, ये साइन स्केयर है, ये कोस स्केयर है, तो क्या बन जाएगा, साइन स्केयर प्लस कोस स्केयर वन होता है, और ये वन पहले से भी था, तो वन प्लस में एक और वन हो गया, और बचा क्या साथ में, टू साइन ए, और नीचे कितना भाई अपने पास, नीचे है कोसे वन प्लस में साइन ए। देखो वन और वन कितना हो गया, टू हो गया भाई, टू प्लस में कितना भाई, टू साइन ए, टू साइन ए, डिवाइड में कितना भाई यहां पर अपने पास, कोसे इंटू में, कोसे इंटू में वन प्लस में साइन ए, वन प्लस में साइन ए। अब देखो ऊपर दोनों में से क्या कॉमन ले सकता हूं मैं, दो कॉमन ले सकता हूं, तो दो कॉमन ले लिया, ऊपर कितना बचेगा, दो निकल गया तो यहां वन बचा है, ठीक है, प्लस में, यहां से दो चला गया तो क्या बचा भाई, साइन ए, ठीक है, और साथ में कितना आएगा नीचे भाई, कोसे और वन प्लस साइन ए, क्या आएगा साथ में नीचे, कोसे वन प्लस में साइन ए। अब ध्यान से देखो, ऊपर भी वन प्लस साइन ए, नीचे भी वन प्लस साइन ए, पूरा कट गया ना भाई, तो क्या बचा, सिर्फ टू अपॉन कोसे, क्या बचा भाई यहां पे अपने पास, सिर्फ टू अपॉन में कोसे, ये टू एज इट इज, और वन अपॉन में कोसे कितना आ जाएगा भाई, इंटू में वन अपॉन कोसे सिकेंटे होता, आपको पता है वन अपॉन कोस सिकेंट होता, और यही तो प्रूफ करना था आपको, टू सिकेंटे, टू सिकेंटे प्रूफ कर दिया, सो यू कैन राइट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है भाई, और यही तो आपने प्रूफ करना था, क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट देख लीजिए 20 में क्या करना आपको भाई, यहां पर कोसिकेंटे है और यहां पर भी कोसिकेंटे प्लस वन, यहां पे कोसिकेंटे माइनस वन, यहां पे कोसिकेंटे, ठीक है, तो एलसीएम तो वही लेना पड़ेगा जैसे हम लेते हैं हर बार, तो लिख दो यहां पे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो सबसे पहले नीचे एलसीएम सेम रहेगा भाई, क्या लिखोगे, कोसिकेंटे केंट ए माइनस में वन एक बार, तो ये वाला, उसके बाद कोसिकेंटे प्लस वन, ठीक है भाई, ये लिख दिया आपने यहां पे, अब एलसीएम तो ले लिया हमने, अब मल्टीप्लाई करते हैं, कोसिकेंटे को कोसिकेंटे से करोगे तो कोसिकेंटे स्केयर ए, क्या लिखोगे, कोसिकेंट स्केयर ए, प्लस में कोसिकेंटे को वन से करोगे तो कोसिकेंटे आ गया भाई, उसके बाद बीच में प्लस का साइन है तो प्लस लो, कोसिकेंटे को कोसिकेंटे से करोगे तो क्या हो जाएगा, कोसिकेंट स्केयर ए, क्या लिखोगे भाई, कोसिकेंट स्केयर ए, उसके बाद माइनस का साइन, किसका भाई, माइनस का, कोसिकेंटे को वन से करोगे तो कोसिकेंटे, ठीक है भाई। अब देखो क्या करेंगे, प्लस माइनस के कट जाएंगे इससे, ये कट गया भाई, और ऊपर क्या बचा, कोसिकेंटे कोसिकेंटे, कितने कोसिकेंट ए हो गया भाई, टू कोसिकेंट स्क्वेयर हो गया, सॉरी स्क्वेयर था ना, तो टू कोसिकेंट स्क्वेयर ए हो गया यहां पर, तो मैं लिख देता हूं टू कोसिकेंट स्क्वेयर ए हो गया, ठीक है, डिवाइड में, अच्छा डिवाइड में आइडेंटिटी लगी है भाई, ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो आइडेंटिटी क्या होती है भाई, यहां पर आपके पास ए का स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वेयर, तो यानी कि कोसिकेंट स्क्वेयर ए माइनस में वन का स्क्वेयर तो वन ही होता भाई, ठीक है, सो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं अभी, अब देखो इज इक्वल टू में, ऊपर तो एज इट इज रहेगा, नीचे कितना हो जाएगा भाई, कोसिकेंट स्क्वेयर ए माइनस वन, किसके इक्वल होता है भाई, कोसिकेंट स्क्वेयर ए माइनस वन होता है कोट स्क्वेयर ए के इक्वल, किसके इक्वल होता है भाई, ये जो नीचे लिखा ना, ये कोट स्क्वेयर ए के इक्वल होता है, आपको आइडेंटिटी याद हो नीचे भाई, तो मैंने इसको कोट स्क्वेयर ए के नीचे लिख दिया। अच्छा अब इन दोनों को ओपन करते हैं और काट लेंगे जो बचेगा यहां पर, देखो टू एज इट इज, ठीक है, कोसिकेंट स्क्वेयर ए को क्या लिख सकता हूं मैं यहां पे, वन अपॉन में साइन स्क्वेयर ए, क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वेयर ए, डिवाइड में कोट स्क्वेयर किसके इक्वल होता है भाई, वो होता है कोस स्क्वेयर ए अपॉन में साइन स्क्वेयर ए के, ठीक है भाई, यही होता ना, इज इक्वल टू, देखो टू अपॉन में साइन स्क्वेयर ए तो एज इट इज आएगा, मल्टीप्लाई में पता आपको ये चीज ऊपर घूम के चली जाती है तो रेसिप्रोकल हो जाती है, तो इसके लिख दूंगा मैं साइन स्क्वेयर ए अपॉन कोस स्क्वेयर ए। अब देखो साइन स्क्वेयर ए से कोस स्क्वेयर, साइन स्क्वेयर ए से साइन स्क्वेयर कट गया भाई यहां पे, नीचे बचा कोस स्क्वेयर ए, और कोस स्क्वेयर जब ऊपर जाता है तो यानी कि वन अपॉन कोस स्क्वेयर ए किसके इक्वल होता है भाई, सिकेंट स्क्वेयर ए के, सो हम यहां पे लिख सकते हैं इक्वल में टू सिकेंट स्क्वेयर ए, ठीक है भाई, क्योंकि नीचे कोस बचा था ना, कोस ऊपर जाता है तो वन अपॉन कोस स्क्वेयर ए किसके इक्वल हो जाता है, सिकेंट स्क्वेयर ए के, वो लिख दिया, और टू बचा हुआ था तो टू लिख दिया, तो आपका जो प्रूफ करना था टू सिकेंट स्क्वेयर वो प्रूफ हो चुका है, सो हम यहां पे लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू हो गया आपकी राइट हैंड साइड के, हैंस प्रूफ लिख देना बाद में, क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे 20, ठीक है भाई, तो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन थे, देख रहे हो आप यहाँ पर हर एक क्वेश्चन ऐसे ही कर रहे हैं हम, आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे समझ आ रहे हैं,
फिर भी कोई क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, डाउट आ रहा है, तो कमेंट करके पूछ लेना भाई, ठीक है। और साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब कर लो भाई, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सपोर्ट किया करो भाई। देख लो आपके लिए कितनी बड़ी बड़ी लॉन्ग वीडियो है, ये देख लो आपको पूरे के लिए एक ही वन शॉट वीडियो में पूरी की पूरी एक्सरसाइज या चैप्टर है जो कराया जा रहा है, ठीक है। तो आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं, तो आप भी थोड़ा सपोर्ट किया करो चैनल को, चैनल सब्सक्राइब कर लेना जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को भी वीडियो शेयर कर दिया करो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, जिनको अभी तक नहीं पता है भाई आरएस अग्रवाल या फिर जो दूसरी बुक्स मैं करा रहा हूँ भाई, यहाँ पर कुछ बच्चों को वीडियो नहीं मिलती है तो उनकी हेल्प हो जाएगी, आप उनकी हेल्प कर दिया करो, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर करते हैं भाई नेक्स्ट 21 है जो हमारा। यहाँ पे देखिए आपको क्या बोल रहा है भाई, वन प्लस कोटे माइनस कोसेकेंटे, वन प्लस टेन ए प्लस सेकेंटे, आपको वन टू के कुल प्रूफ करना है। यानी कि जब आपको किसी एक नंबर की कुल प्रूफ करना होता है ना, तो आपको सारी की सारी जो भी आपको टर्म्स दी जाती है उनको ओपन करना पड़ता है, जो आपको फॉर्मूले पता है। जैसे यहाँ पे कोसेकेंट है, कोटेन के फॉर्मूले लगाने हैं अब आपने यहाँ पे, तो लिखना पड़ेगा आपको फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है भाई। तो देखो वन तो एज इट इज प्लस में, कोट को कैसे खोल सकते हो आप यहाँ पे, कोस अपॉन में साइन ए, माइनस में कोसेकेंट को कैसे खोल सकते हो, वन अपॉन में साइन ए, ठीक है भाई, ये हो गया आपका। उसके बाद नेक्स्ट वन एज इट इज भाई प्लस में, टेन को कैसे लिख सकते हो भाई यहां पर, साइन अपॉन में कोस ए, प्लस में सेकेंड को कैसे कर सकते हो भाई यहां पर आप, वन अपॉन में कोस ए, ये लो भाई, ये कर लिया आपने। अब आपने क्या करना है, यहां पे एलसीएम लेना है, साइन साइन का एलसीएम लोगे तो यहां पे क्या आ जाएगा भाई, नीचे साइन आ जाता है। और आपको एक चीज पता होगी भाई, वन है यहां पे, वन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे साइन आ जाएगा, और नीचे डिनोमिनेटर से में तो न्यूमरेटर डायरेक्ट एड और सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, आपको पता, प्लस में कोस ए माइनस में वन, ठीक है भाई, ये हो गया आपका एज इट इज। इसको करना आपने यहाँ पे, नीचे एलसीएम कोस आ जाएगा भाई, कोस को वन से करूंगा तो कोस ए हो जाएगा, और ये दोनों एज इट इज आ जाएंगे साइन ए प्लस में वन। अच्छा एक चीज ध्यान से देखो यहाँ पे, जो आपको मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे, अब ये मैं अगर इसको एक ब्रैकेट में ले लूँ, ठीक है, इसको भी मैं अगर एक ब्रैकेट में ले लूँ, तो आपका फॉर्मूला बन गया भाई यहाँ पे, क्या बन गया देखो, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए आपका सेम है देखो, साइन ए प्लस कोस ए, साइन ए प्लस कोस ए, बी भी आपका सेम है वन वन, बस बीच में प्लस माइनस का साइन है। तो आपको पता होगा इसकी एक आइडेंटिटी होती है, ए प्लस बी ए माइनस बी तो इज इक्वल टू होती है ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ए का स्केयर करो भाई पहले ऊपर, ए का स्केयर करोगे यानी कि साइन ए, सॉरी पहले स्क्वेयर डाल दिया मैंने, बाद में डालेंगे, तो पहले साइन ए प्लस में कोस ए का स्केयर भाई, ठीक है, माइनस में वन का स्केयर अपॉन में साइन ए कोस ए, क्या भाई साइन ए कोस ए, ठीक है भाई, इज इक्वल टू, अब साइन ए प्लस कोस ए का होल स्केयर है तो आपको आइडेंटिटी फिर लगानी पड़ेगी एक और, ए प्लस बी का होल स्केयर क्या होता है, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस टू ए बी। तो लिख दो भाई यहां पर साइन स्केयर ए प्लस कोस स्केयर ए प्लस में टू साइन ए कोस ए, क्या लिखोगे, टू साइन ए कोस ए, और साथ में क्या लिखा भाई, माइनस वन का स्केयर, तो यानी माइनस वन आएगा, डिवाइड में कितना भाई आपका यहां पर साइन ए कोस ए, कितना साइन ए कोस ए। अब देखो साइन स्केयर ए प्लस कोस स्केयर ए किसके इक्वल होता है भाई, आपको पता है ये होता है वन के इक्वल, किसके इक्वल, वन के इक्वल, प्लस का वन ये रहा माइनस का वन ये रहा, दिख रहा ना आपको, कट जाएंगे। अगले स्टेप में करते हैं इसको, देखो यहां से रब कर देता हूं ये, तो देखो इसको लिख लो साइन स्केयर प्लस कोस स्केयर वन हो गया, प्लस में टू साइन ए कोस ए माइनस वन, ओवर में कितना भाई साइन ए कोस ए, वन से वन कट गया भाई, क्या बचा आपके पास वो लिख लो, टू साइन ए कोसे ओवर में साइन ए कोसे भी, ठीक है साइन ए कोसे कट गया भाई ये, तो क्या बचेगा सिर्फ यहाँ पे टू बचेगा, आ गया भाई आंसर, और यही तो निकालना था आपको टू, तो लिख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो आपका क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व हो गया, ठीक है ना भाई, ये था आपका क्वेश्चन यहाँ पे, आई होप आपको समझ आया अच्छे से। नेक्स्ट वाला करते हैं, ए प्लस बी का होल स्केयर प्लस में ए प्लस बी का होल स्केयर, पूरी की पूरी आइडेंटिटी आपको ओपन करनी है, तो करते हैं भाई फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड फ्रॉम एलएचएस। तो देखो भाई ए प्लस बी का होल स्केयर लिखोगे तो यहां आ जाएगा भाई, देखो मैं सीधा डायरेक्ट आंसर ही कर रहा हूं यहां पर, मैं आइडेंटिटी ओपन कर रहा हूं, ए प्लस बी का होल स्केयर होता है ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस टू ए बी। तो लिखूंगा मैं यहां पर साइन स्केयर ए प्लस में क्या लिखा भाई कोसेकेंट स्केयर ए प्लस में टू साइन ए कोसेकेंट ए, टू साइन ए कोसेकेंट ए, ठीक है भाई, फिर प्लस का साइन, अब इसको ओपन कर रहा हूं मैं ए प्लस बी का होल स्केयर लगा के, तो क्या लिखूंगा कोस स्केयर ए प्लस में सेकेंड स्केयर ए प्लस में कितना भाई यहां पर टू कोसे सेकेंट ए, यानी तो जंग नहीं बची, मैं यहां लिख रहा हूं टू सेकेंट ए कोसे,
चलो भाई अब इसको सोल्व करना शुरू करते हैं। देखो साइन स्केयर ए ये रहा, कोस स्केयर ए रहा, तो क्या बन जाएगा, ये वन बन जाएगा। क्या बन जाएगा लिखो, साइन स्केयर ए प्लस कोस स्केयर ए क्या हो गया भाई, वन। वन लिख दिया मैंने प्लस में। अब ध्यान से देखना जो मैं कर रहा हूं, साइन ए तो ठीक है लेकिन कोसिकेंट ए क्या होता है, साइन ए का उल्टा होता है। मैं कोसिकेंट ए को क्या लिख सकता हूँ, वन अपॉन साइन ए लिख सकता हूँ। तो मैं यहां से अगर काट के इसको लिखूं वन अपॉन साइन ए, तो साइन ए से साइन ए कट गया तो सिर्फ टू बचेगा। क्या बचेगा, टू प्लस में। ऐसे यहां पे सिकेंट ए कोसे का उल्टा होता है, भी कट जाएगा तो सिर्फ टू बचेगा, प्लस का टू प्लस में। अब और क्या क्या बचा है, यहां बचा है कोसिकेंट स्केयर ए और यहां बचा है भाई सिकेंट स्केयर ए। अब ध्यान से सुनो, कोसिकेंट स्केयर ए किसके इक्वल होता था, मैंने आइडेंटिटी बताई थी आपको, वन प्लस में टेन स्केयर ए के प्लस में। सिकेंट स्केयर ए किसके इक्वल होता है भाई, ये होता है वन प्लस, अच्छा सॉरी उल्टा कर दिया क्या मैंने, हाँ उल्टा कर दिया भाई। कोसिकेंट ए तो होता है वन प्लस कोट स्केयर ए के इक्वल, सिकेंट स्केयर ए होता है वन प्लस टेन स्केयर ए के इक्वल। तो मैंने सिकेंट स्केयर ए की वैल्यू पुट कर दी है वन प्लस टेन स्केयर ए। अब कोसिकेंट स्केयर ए की पुट करूंगा तो कितनी हो जाएगी भाई, वन प्लस में ये हो जाएगा आपका कोट स्केयर ए। क्या हो जाएगा भाई, कोट स्केयर ए, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं, ऐड करते हैं, वन टू थ्री, थ्री टू फाइव, फाइव सिक्स और सेवन, कितना हो गया सेवन, प्लस में टेन स्केयर ए प्लस में कोट स्केयर ए। लिख दो भैया अब आगे, टेन स्केयर ए प्लस में कोट स्केयर ए। और यही तो आपको प्रूव करना था, देखो ध्यान से ऊपर, सेवन प्लस में टेन स्केयर ए प्लस में कोट स्केयर ए। तो आपने प्रूव कर दिया, लिख देना लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है भाई। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 आपका कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट वाला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं भाई। यहाँ पर आपका क्वेश्चन देखिए 23 में क्या दिया है, कोस ए, कोस की पावर है जो हमारी 3 है, यहाँ पर साइन की पावर 3 है, नीचे कोस ए प्लस साइन ए, ऊपर है कोस 3 ए माइनस साइन 3 अपॉन में कोस ए माइनस साइन ए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एक आइडेंटिटी बनी है, उस आइडेंटिटी को साइड में लिख रहा हूँ मैं, ए की पावर 3 माइनस में बी की पावर 3, ठीक है भाई। और साथ ही साथ ए की पावर 3 प्लस में बी की पावर 3, ये आइडेंटिटी हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे भाई, ठीक है। ए की पावर 3 होती है अपने पास ए माइनस बी, और अंदर होगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस में ए बी, ठीक है भाई। और इसमें होएगा ए प्लस बी, अंदर होएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस में ए बी। अच्छा ये दोनों आइडेंटिटी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए भाई, इन आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले ऊपर देखो ए की क्यूब प्लस साइन थ्री, वो यहाँ पे इसको ए मान लो, यहाँ पे इसको बी मान लो, बीच में प्लस है तो ये वाली लगेगी। पहले इनको प्लस में लिखेंगे, तो लिखो भाई ऊपर कोस ए प्लस में साइन ए, ठीक है भाई, ब्रैकेट शुरू। उसके बाद फिर नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पर हम करेंगे भाई दोनों का स्क्वायर और माइनस में दोनों का मल्टीप्लाई, स्क्वायर कर दो भाई, यानी कि कोस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए माइनस में दोनों को मल्टीप्लाई, यानी कि साइन ए कोस ए, ठीक है भाई। और नीचे क्या आएगा दोनों के, कोस ए प्लस में साइन ए, कोस ए प्लस में साइन ए, ठीक है भाई। अच्छा प्लस का साइन डालो, ये प्लस का साइन। अब यहां पे ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, यानी कि ऊपर वाली आइडेंटिटी, ये वाला लगाएंगे। एक बार इनको लिखते हैं माइनस में, यानी कि कोस ए माइनस में साइन ए, ठीक है भाई। अच्छा अब करेंगे इनको स्टार्ट स्क्वेयर करके फिर प्लस करना, यानी कि साइन स्केयर ए प्लस में कोस स्केयर ए प्लस में साइन ए कोस ए, साइन ए कोस ए। और पूरे के डिवाइड में क्या भाई, नीचे कोस ए माइनस में साइन ए, क्या भाई कोस ए माइनस में साइन ए, ठीक है भाई। अब ध्यान से देखो, नीचे कोस ए प्लस साइन ए है, ऊपर भी कोस ए प्लस साइन ए, कट गया, ठीक है। यहाँ पे भी कोस ए माइनस साइन ए है, कोस ए माइनस साइन ए, तो कट गया, ठीक है। उसके बाद कोस स्केयर ए प्लस साइन स्केयर ए क्या होता है, वन होता है, तो लिखो वन माइनस में साइन ए कोस ए, क्या लिखोगे भाई साइन ए कोस ए, फिर प्लस का साइन, ठीक है। उसके बाद साइन स्केयर प्लस कोस स्केयर क्या हो गया, वन हो गया, फिर प्लस का साइन, लास्ट में क्या लिखा है साइन ए कोस ए, क्या लिखा है ये है साइन ए कोस ए, साइन ए कोस ए, ठीक है भाई। अब देखो माइनस साइन ए कोस ए प्लस साइन ए कोस ए, कट गया पूरा भाई, ये वन और वन कितना हो गया बेटा, टू हो गया। और यही तो आपको प्रूव करना था टू, देखा कितना सिंपल क्वेश्चन था, टू प्रूव करना था, जो कर दिया आपने, लिख देना लास्ट में लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है भाई। आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है हमारा 23, ठीक है भाई। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं भाई। यहाँ पर देखिए आपके पास, यहाँ पर देखा है सिकेंट और कोसिकेंट, आपको पता है सिकेंट और कोसिकेंट क्या होता है, सिकेंट और कोसिकेंट होता है साइन और कोस का उल्टा। तो आपको करना क्या है, पूरी की पूरी टर्म्स को साइन और कोस में लाना है, किसमें लाना है साइन और कोस में। तो टेन को लिख देता हूँ पहले, मैं क्या लिखूंगा भाई, टेन होता अपना साइन ए ओवर में कोस ए, ठीक है भाई, डिवाइड में नीचे है वन माइनस, कोट को लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे क्या,
कोस ए ओवर में साइन ए, ठीक है भाई। फिर प्लस का साइन ये वाला लिख दिया, उसके बाद कोटे को लिख सकता हूं भाई मैं यहां पर किसके इक्वल, कोस ए बाई में साइन ए डिवाइड में, नीचे वन माइनस में टेन को लिखूंगा भाई साइन बाय में कोस। हाँ भाई यहां तक देख लो, हमने सारे का सारा ओपन कर दिया, टेन की वैल्यू पुट कर दी साइन बाय कोस, कोस की वैल्यू पुट करी है साइन बाय कोस, कोट की वैल्यू पुट करी है कोस बाय साइन, ठीक है सारी वैल्यू पुट कर दिया। एलसीएम लेंगे नीचे, ध्यान से देखो यहां पर दोनों में वन के नीचे एलसीएम, यहां पर वन लेने लिखा लगा देंगे और साइन ही बन जाएगा एलसीएम, ऊपर वाली टर्म एज इट इज रहेगी, ऊपर वाली टर्म को कुछ नहीं करेंगे हम यहाँ पे। अब साइन ए बाय कोस एज इट इज लिखूंगा मैं, साइन ए बाय में कोस एज इट इज डिवाइड में, अब देखो दोनों का एलसीएम नीचे साइन है भाई, क्या नीचे एलसीएम साइन ए है। अब देखो साइन को वन से मल्टीप्लाई करूंगा साइन ए, माइनस वन को कोस से करूंगा कोस ए, ठीक है भाई। फिर बीच में साइन प्लस का प्लस लगा देंगे यहां पे, उसके बाद कोस बाय में साइन ए, क्या भाई कोस बाय में साइन ए डिवाइड में क्या आ जाएगा भाई अपने पास, फिर एलसीएम लेंगे यहां पे कोस कोस ए, और यहां पर कोस ए को इससे वन से करूंगा कोस ए आ जाएगा भाई, यहां पे क्या आ जाएगा कोस ए माइनस में, वन को साइन से करूंगा साइन ए, क्या भाई साइन ए, ठीक है भाई। तो ये हमारा यहां पर हो जाएगा। अब क्या करेंगे भाई इसके अंदर वैल्यूज को घुमा देंगे, क्या कर देंगे वैल्यूज को घुमा देंगे ऊपर की तरफ। देखो भाई अब मैं सेट कर रहा हूं थोड़ा पार्ट, या चलो आगे कर लेते हैं, लाइन वाइज चल रहा है यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो साइन ए बाय कोस ए एज इट इज रखूंगा मैं यहां पे, क्या रखूंगा साइन ए बाय में कोस ए। अब देखो ये वाला जो चीज है नीचे वाला घूम के ऊपर चला जाएगा, तो मैं ऊपर भेजकर इसको क्या लिख सकता हूं मल्टीप्लाई में साइन ए बाय में, कितना आ जाएगा भाई साइन ए माइनस कोस ए, साइन ए माइनस में कोस ए, ठीक है भाई। ये कर दिया मैंने, देख सकते हो अब आप यहाँ पे मैंने ये कर दिया इसको, प्लस का साइन यहाँ पे प्लस। अब देखो भाई कोस ए बाय साइन ए एज इट इज, कोस ए बाय में साइन ए एज इट इज मल्टीप्लाई में, अब ये वाली नीचे वाली टर्म है ये भी घूमकर ऊपर जाएगी, तो कोस ए ऊपर चला जाएगा कोस ए ऊपर, डिवाइड में कितना आएगा भाई हमारा यहाँ पे कोस ए माइनस साइन ए, क्या आएगा नीचे भाई कोस ए माइनस में साइन ए, ठीक है भाई मैंने ये लिख दिया। अच्छा अब ध्यान से देखो यहाँ पे भाई क्या हो जाएगा, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करूंगा साइन स्क्वेयर ए, क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे साइन स्क्वेयर ए डिवाइड में, कोस ए को साइन इससे करूंगा तो मल्टीप्लाई तो होना नहीं, एज इट इज लिख दूंगा इसको मैं यहाँ पे कोस ए इंटू में कोस ए इंटू में, क्या लिखा भाई साइन ए माइनस कोस ए, साइन ए माइनस में कोस, ठीक है भाई। बीच में साइन किसका है प्लस का, लेकिन मैं प्लस नहीं लिखूंगा अभी, ध्यान से देखो मैं ये साइन प्लस नहीं लिख रहा, क्यों नहीं लिख रहा बताऊंगा, यहां पे मैंने साइन नहीं लिखा छोड़ दिया पहले, ऊपर वाला देखो जब मैं इस कोस को कोस से मल्टीप्लाई करूंगा तो कोस स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई कोस स्क्वायर ए डिवाइड में, नीचे लिखा है साइन ए साइन ए। अब ध्यान से सुनो मैंने क्यों नहीं लिखा था जब साइन, क्या रीजन था उसका, यहां पर लिखा है साइन ए माइनस कोस ए, ठीक है यहां पे लिखा है साइन ए माइनस कोस ए, बट यहां पे लिखा है कोस ए माइनस में साइन ए, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है कि यहां पर कोस माइनस का है यहां पे साइन माइनस का है, तो दोनों को सेम बनाने के लिए मुझे माइनस इसमें से कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये प्लस है ना जो ये माइनस का हो जाएगा, किसको जाएगा ये प्लस माइनस का हो जाएगा, तो मुझे यहां पे माइनस लगाना पड़ेगा, और ये टर्म दोनों सेम हो जाएंगे, अब साइन ए माइनस कोस ए क्या हो जाएगा, ठीक है भाई ये टर्म हो जाएंगे अब साइन ए माइनस कोस, देखो दोनों में साइन ए माइनस कोस है, ठीक है दोनों से साइन ए माइनस कोस से बाहर ले लो, क्या ले लो दोनों से साइन ए माइनस कोस से बाहर ले लो, मैंने यहां ले लिया, अब अंदर क्या बचा वो देख लो, अंदर बचा है साइन स्केयर ए ओवर में कोस है, क्या बचा ऊपर साइन स्केयर ए बाय में कोस है माइनस में, यहां बचा है कोस स्केयर ए बाय में साइन ए, ध्यान से देखो मैंने क्या किया अभी, जब मैंने साइन ए कोसे साइन ए कोसे बाहर ले लिया तो यहां बचा साइन स्क्वायर बाय कोसे, यहां कोस स्क्वायर बाय साइन ए, ठीक है। अब ये तो हमारा एजिटिज रहेगा, क्या वन अपॉन साइन ए माइनस कोसे एजिटिज रहेगा, वन अपॉन साइन ए माइनस कोसे एजिटिज रहेगा, और ब्रैकेट के अंदर जो एलसीएम आ जाएगा वो क्या आ जाएगा साइन ए कोसे, क्या आ जाएगा एलसीएम साइन ए कोसे,
ऊपर देखो साइन को साइन की पावर 2 से करूँ, अच्छा पावर 2 को पावर 1 से कर रहा हूँ, तो 2 और 1 3, पावर 3 होगी भाई, यानी कि साइन की पावर 3 होगी, ठीक है। माइनस का साइन यहाँ पे लिखेंगे, कोस ए की पावर कोस स्क्वायर से करेंगे, देन वी हैव अ वैल्यू ऑफ माइनस कोस पावर 3, ये आ गया भाई, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से सुनो, अभी अभी क्वेश्चन नंबर 23 में किया था हमने, 24 कर रहे हैं ना अभी, हाँ 23 में किया था हमने, कि जो पावर है a माइनस बी, ए के क्यूब माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला क्या था, a माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला था ना, ऊपर वही फॉर्मूला लगाऊंगा मैं। यहां देखो अब वहां से लिखा मैंने 1 अपॉन साइन ए माइनस कोस ए, ठीक है भाई। अब अंदर की तरफ फॉर्मूला लगाऊंगा मैं यहाँ पे, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, तो सब पहले माइनस लिखते हैं ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस में कोस ए ऊपर आएगा भाई, कोस ए आ जाएगा यहाँ पर, ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा साथ में, स्क्वेयर और प्लस में ए भी रहेगा, यानी कि साइन स्क्वेयर ए यहाँ पे आ जाएगा, प्लस में कोस स्क्वेयर आ जाएगा, प्लस में कर देंगे भाई यहाँ पर अपना साइन ए कोस ए, क्या भाई साइन ए कोस ए, ठीक है भाई। और डिवाइड में क्या रहेगा भाई अपना, यहाँ पर नीचे था कहाँ गया वो, लास्ट वाला था सॉरी, ये वाला पार्ट साइन ए कोस ए डिवाइड में रहेगा, ठीक है, साइन ए कोस ए, साइन ए कोस ए। चलो भाई अब देखो क्या क्या कटेगा, क्या क्या बचेगा, ये वाली चीज पूरी कटेगी, देख लो ध्यान से, साइन ए माइनस कोस ए, साइन ए माइनस कोस ए सेम था, ऊपर नीचे कट गया, साइन स्केयर प्लस कोस स्केयर होता है वन, क्या होता भाई वन प्लस में, ऊपर क्या बचा भाई साइन ए कोस ए, साइन ए कोस ए डिवाइड में, टोटल के नीचे क्या बचा भाई साइन ए कोस ए, क्या बचा साइन ए कोस ए। अब इसको मैं स्प्लिट करूंगा, यानी कि एक बार वन के नीचे पूरा और एक बार इसके नीचे पूरा, जब मैं इसको वन के नीचे लिखूंगा वन अपॉन में साइन ए कोसे, साइन ए कोसे प्लस में, फिर लिखूंगा मैं इसको साइन ए कोसे को पूरे के नीचे। चलो भाई अब ध्यान से देखो, वन अपॉन साइन क्या होता है भाई, अपने पास यहां पर कोसेकेंट होता है, वन अपॉन कोस क्या होता है सिकेंट होता है, तो होता ना, तो मैं लिखूंगा पहले वन अपॉन वन अपॉन कोस लिखूंगा तो सिकेंट आ जाएगा, सिकेंट ए, वन अपॉन साइन लिखूंगा तो कोसिकेंट ए प्लस में, और इन दोनों काट दूंगा तो बचेगा भाई वन। तो यही तो आपको प्रूफ करना था, सिकेंट ए प्लस सिकेंट ए कोसिकेंट ए प्लस वन, तो लास्ट में आपने एक लाइन लिख देनी है कि आपकी जो एल एच एस है वो RHS के इक्वल हो गया भाई, और ये आपको प्रूव करना था, जो आपने कर दिया है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 24 है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वाला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 और 26 करते हैं भाई। यहाँ पे देखिए 25 में आपको क्या दिया है, साइन ए डिवाइड में है 1 प्लस कोट ए, माइनस में कोस ए डिवाइड में है 1 प्लस टेन ए, बट आपको बनाना क्या है, साइन और कोस बनाना है, तो इट मीन्स आपको पता है कि जो टेन है या कोट है उसको भी साइन कोस में लाना पड़ेगा, सो दैट आपको साइन और कोस बनाने के लिए टेन और कोट में पुट करनी पड़ेगी वैल्यू साइन कोस की। देखो भाई ऊपर तो आपका साइन एज इट इज रहेगा डिवाइड में, वन एज इट इज प्लस में, कोट की जगह पे आप लिख सकते हो भाई कोस ए बाय में साइन ए, फिर माइनस का साइन बीच में, फिर ऊपर कोस ए भाई आपका ठीक है डिवाइड में, वन एज इट इज प्लस में, टेन की जगह पे लिख सकते हो आप साइन ए बाय में कोस ए, ठीक है भाई। यहां तक इजी है बिल्कुल। अब आपने एलसीएम लेना है, यहाँ पे वन के नीचे वन कर लो एलसीएम लेने के लिए। अब साइन एज इट इज आएगा भाई यहां पर डिवाइड में, साइन ए को वन से करेंगे साइन ए प्लस में अभी कोस ए, और डिवाइड में कितना भाई साइन ए आया एलसीएम, ठीक है, फिर प्लस का साइन, सॉरी प्लस नहीं है माइनस है, तो बीच में माइनस लगा देंगे भाई यहाँ पर, ये माइनस का साइन, फिर ऊपर है भाई आपका कोस ए डिवाइड में, एलसीएम क्या आ जाएगा नीचे कोस ए प्लस साइन ए, और नीचे क्या बचा भाई इसका एलसीएम कोस ए, ठीक है भाई। अच्छा अब इसको घुमाना पड़ेगा ऊपर, मैं यहां कर रहा हूं इस साइड, साइन ए तो ऊपर एज इट इज रहेगा, और डिवाइड में कितना भाई साइन ए प्लस कोस ए, साइन ए प्लस में कोस ए, नीचे का जो साइन ए घूम के ऊपर चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा साइन ए बाय में वन, फिर बीच में माइनस का साइन, एज इट इज कोस ए ऊपर रहेगा, नीचे आ जाएगा भाई आपका कोस ए प्लस साइन ए, कोस ए प्लस साइन ए, और साथ ही साथ ऊपर जाएगा कोस बाय में वन, ठीक है भाई। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे साइन को साइन से कर रहा हूँ तो क्या आ जाएगा अपना साइन स्क्वायर, क्या आ जाएगा भाई साइन स्क्वायर ओवर में साइन ए प्लस कोस एज इट इज, साइन ए प्लस कोस हमारा एज इट इज रहेगा, बीच में माइनस का साइन, कोस को कोस से करता हूँ कोस स्क्वायर ओवर में साइन ए प्लस कोस एज इट इज,
अब ध्यान से देखिए नीचे हमारा क्या रहेगा भाई, एलसीएम सेम है, देखो साइन ए प्लस कोस है, साइन ए प्लस कोस है, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमिनेटर को हम डायरेक्टली हम माइनस में लिख सकते हैं, सो हियर वी कैन राइट दैट साइन ए प्लस कोस ए, साइन ए प्लस कोस ए, ऊपर आ जाएगा अभी अपने पास साइन स्क्वेयर ए माइनस कोस स्क्वेयर ए, और आपको पता है प्रॉपर्टी एज यू नो दैट कि साइन स्क्वेयर ए माइनस कोस स्क्वेयर ए किसके इक्वल होता भी हमारा वन के इक्वल मत बोलना, क्योंकि प्लस होता तब बोलते हैं आप, यहाँ पे प्रॉपर्टी लगेगी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, आपको पता ना ए का स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वेयर, तो प्रॉपर्टी होती है ए माइनस बी ए प्लस बी, सो आप यहाँ पे लिख सकते हो एक बार इसको माइनस में साइन ए माइनस कोस ए लिख सकते हो, ठीक है भाई, और एक बार यहाँ पे क्या लिख सकते हो साइन ए प्लस कोस ए प्लस में कोस ए, डिवाइड में क्या भाई साइन ए कोस ए क्या है साइन ए कोस ए प्लस में, ठीक है भाई, अब प्लस वाली चीज तो प्लस वाले से कट जाएगी तो बचा क्या सिर्फ माइनस वाला, तो आपका जो फाइनल आंसर आया वो कितना आया भाई साइन ए माइनस में कोस ए, और यही आपको निकालना था यहां पर साइन ए माइनस में कोस ए, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड आपने राइट हैंड साइड के प्रूव कर दिया, तो लिख देना कि जो आपकी एल एच एस है लेफ्ट हैंड साइड है वो आर एच एस यानी कि राइट हैंड साइड के इक्वल आपकी प्रूव हो चुकी है भाई, ये क्वेश्चन आपका जो 25th था ये कंप्लीट हो चुका है यहां पर, नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है 26th वो करते हैं भाई, ध्यान से देखो लास्ट में लिखा है सिकेंट, क्या लिखा है सिकेंट लिखा है, और आपको पता है जब सिकेंट दे रखा हो मैं तो यहाँ पे टेन को चेंज करना पड़ेगा मैं किसमें साइन और कोस में, क्योंकि सिकेंट कोस का होता है अपोजिट, और जब उसको करना पड़ेगा चेंज तो यहां पर वैल्यू डाल दो भाई टेन की, टेन की वैल्यू क्या आएगी साइन थीटा बाय में कोस थीटा प्लस में साइन थीटा भी यहाँ पे क्या है साइन थीटा डिवाइड में टेन थीटा की वैल्यू फिर वापस साइन थीटा बाय में कोस थीटा माइनस में है भाई साइन थीटा। अच्छा एक चीज तो आपने यहाँ पे कॉमन देखी होगी और वो चीज क्या आप देख लो, यहाँ पे साइन है यहाँ पे साइन है भाई, यहाँ पे साइन है यहाँ पे साइन है, तो कॉमन ले लो साइन यहाँ से, क्या ले लोगे साइन कॉमन ले लो, साइन थीटा ऊपर से कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा देखो वन बच गया नीचे कोस थीटा बचा, वन ऊपर बचा नीचे कोस थीटा, माइनस की जगह प्लस में वन, डिवाइड में भी ले लो, नीचे क्या भाई साइन थीटा कॉमन लोगे तो क्या बचेगा वन बाय में कोस थीटा माइनस में वन, ये चीज समझ आ गई ना मैंने क्या किया, साइन साइन दोनों से कॉमन लिया है यहां पर वन अपॉन कोस थीटा प्लस वन, यहां से भी साइन साइन कॉमन लिया है तो वन अपॉन कोस थीटा माइनस वन, अब दोनों के साइन थीटा यहां से माइनस कर दो ऐसे काट दो, तो ऊपर बचा है वन अपॉन कोस थीटा प्लस वन, लिखो भाई यहां पर वन अपॉन कोस थीटा प्लस वन, और उसके नीचे बचा है वन अपॉन कोस थीटा माइनस वन। अच्छा एक चीज बताओ वन अपॉन कोस थीटा किसके इक्वल होता है सेकेंड थीटा के, किसके भाई सेकेंड थीटा के, तो आ जाएगा सेकेंड थीटा प्लस वन, और नीचे वाला भी वन अपॉन कोस किसके सेकेंड थीटा के, और बीच में माइनस वन, और यही तो आपको प्रूफ करना था, ऊपर देखो प्रूफ में सेकेंड थीटा प्लस वन सेकेंड थीटा माइनस वन, तो आपने इसको प्रूव कर दिया है, तो लिख दो लास्ट में लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यहां पर आपका जो क्वेश्चन था कंप्लीट हो जाता है, क्वेश्चन नंबर भी आपका कौन सा 26, ठीक है नेक्स्ट वाला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं भी, यहां पर आपका 27 क्वेश्चन में देखिए आपको क्या दिया है कोट थीटा प्लस में कोसिकेंट थीटा माइनस वन डिवाइडेड बाय कोट थीटा माइनस में कोसिकेंट थीटा प्लस वन, आपको प्रूव करना क्या है भाई यहां पर वन प्लस कोस थीटा बाय साइन थीटा, कहने का क्या मतलब आपको कोस थीटा और साइन थीटा में लेके आना पूरी की पूरी इक्वेशन को, तो सबसे पहले देखिए यहां पर क्या करेंगे भाई हम जो हमारा ये वन है यहां पर इसकी आइडेंटिटी पुट करेंगे, देखो सबसे पहले यहां पर क्या लिख रहा हूं मैं कोट थीटा प्लस में कोसिकेंट थीटा माइनस में, अच्छा वन प्लस कोट स्केयर थीटा किसके कुल होता है अपना कोसिकेंट स्केयर थीटा के, ठीक है हमें आइडेंटिटी पढ़ी थी हमने यहाँ पे, मैं आइडेंटिटी लिख रहा हूँ वन प्लस कोट स्केयर थीटा किसके कुल था भाई कोसिकेंट स्केयर थीटा के, तो मैं वन की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ कोसिकेंट स्केयर थीटा माइनस में कोट स्केयर थीटा, ठीक है भाई, तो जो ये वन है ना यहाँ पे वन इस वन के जंग पे मैं ये लिखूंगा क्या नाम है भाई इसका कोसिकेंट स्केयर थीटा माइनस में कोट स्केयर थीटा, और ये ब्रैकेट में है, ठीक है भाई डिवाइड में कितना भाई अपने पास यहाँ पर डिवाइड में है कोट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा, कोट थीटा माइनस में कोसिकेंट थीटा प्लस में वन, ठीक है भाई। अच्छा ऊपर ये ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर आइडेंटिटी आपको पता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर किसके इक्वल होती है भाई ए प्लस बी ए माइनस बी, एक बार इसको माइनस में लेंगे एक बार इसको प्लस में लेंगे, तो सबसे पहले तो मैं एज इट इज लिखूंगा कोट थीटा प्लस में कोसिकेंट थीटा माइनस, अच्छा अंदर में एक बार प्लस में एक बार माइनस में लूंगा तो लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे कोसिकेंट थीटा माइनस में कोट थीटा, एक बार मैंने माइनस में लिखा और एक बार लिखूंगा
कोसिकेंट थीटा प्लस में कोट थीटा, एक बार मैंने प्लस में लिख लिया, ठीक है भाई। और डिवाइड में वही चीज़ चलेगी वापस सर, कोट थीटा माइनस में कोसेक थीटा प्लस में वन, ठीक है भाई। अच्छा उन दोनों में से देखो कॉमन क्या आ रहा है, कोट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा, कोट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा, दोनों में सेम है तो मैं बाहर ले लेता हूँ इससे, तो मेरा क्या बचेगा कोट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा, अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ बाहर तो मेरे अंदर क्या बचेगा वन माइनस में, देखो ये पूरा बाहर चला गया, ये वाली टर्म तो पूरी बाहर है, बचा यहाँ पर सिर्फ वन, फिर माइनस का साइन, माइनस का साइन, कोसिकेंट को माइनस से करेंगे तो कोसिकेंट थीटा माइनस का आएगा, माइनस को माइनस से करेंगे तो प्लस का कोट थीटा आएगा, और डिवाइड में क्या भाई वो भी लिख लो, डिवाइड में वन है ठीक है, माइनस का कोसिकेंट थीटा है, कोसिकेंट थीटा, प्लस का कोट थीटा भाई, ठीक है। मैंने ऊपर वाले को भी ऐसे लिख दिया सेम टू सेम बनाने के लिए। अब देखो वन माइनस कोसिकेंट प्लस कोट थीटा, वन माइनस कोसिकेंट, पूरी की पूरी टर्म कट गई भाई, पूरी की पूरा ये पूरा कट गया ना, ये सेम था दोनों दोनों। अब बचा सिर्फ ये वाली टर्म अपने पास, ये वाली टर्म लिख लो साइड में, कोट थीटा प्लस में कोसेकेंट थीटा, क्या लिखा है कोट थीटा प्लस में कोसेक थीटा। अब कोट थीटा क्या होगा भाई यहाँ पर अपने पास, कोस थीटा बाय में साइन थीटा, प्लस में कोसेकेंट थीटा होता है वन अपॉन में साइन थीटा, ठीक है भाई। अब बेस सेम होगा भाई यहाँ पर, नीचे आएगा साइन थीटा, क्या आएगा नीचे साइन थीटा आएगा यहाँ पर, ऊपर कोस प्लस वन आएगा, कोस थीटा प्लस में वन, ठीक है भाई। और यही तो हमें प्रूव करना था भाई क्वेश्चन में, देखो ऊपर कोस थीटा प्लस वन या फिर वन प्लस कोस थीटा बोल दो, बात एक ही होती है, डिवाइड में साइन थीटा भी आपका, तो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारा वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा, और यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया, ठीक है भाई। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं भाई। 28 में देखिए आपको क्वेश्चन क्या दिया है, कोटे माइनस में वन बाय में है टू माइनस में सेकेंड स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे टेन और कोट है, सिंपल बात है, तो हम क्या करेंगे बोथ साइड साइन और कोस में करते हैं भाई, ठीक है, यानी कि साइन और कोस में चेंज कर लेंगे यहाँ पे। तो देखिए फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड आएगा भाई यहाँ पर फ्रॉम एल एच एस, तो क्या करते हैं भाई पहले कोट को ओपन करते हैं, कोट का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, कोस ए बाय में साइन ए होता है भाई, ठीक है। साथ में क्या लिखा है माइनस का वन डिवाइड में टू एज इट इज आ जाएगा भाई आपका माइनस में, सेकेंड स्क्वेयर क्या क्या होता है भाई वन अपॉन में कोस स्क्वेयर, ठीक है भाई, यही होता है ना। अब उसके बाद देखिए इज इक्वल टू एलसीएम लोगे तो यहां पर कितना आ जाएगा भाई आपका, यहां पर ऊपर आ जाएगा नीचे एलसीएम कोस ए माइनस में साइन ए डिवाइड में, नीचे साइन ए और वन का एलसीएम तो साइन ए रहेगा, ठीक है ना भाई। देखो मैंने वन को कोस से किया कोस आया, साइन को वन से किया साइन आ गया, तो इसलिए यहां पर ऐसे बनाए, ठीक है, डिवाइड का साइन अब नीचे वाला ये वाला। अब देखिए टू को एज इट इज नीचे कोस स्क्वायर है, कोस स्क्वायर को टू से करूंगा तो कितना हो जाएगा भाई टू कोस स्क्वायर ए माइनस में वन बाय में कितना भाई कोस स्क्वायर है कोस स्क्वायर ए, ठीक है भाई ये बना लिया मैंने। अब क्या करते हैं इसको घुमाकर मैं ऊपर ले जाऊंगा, तो ऊपर देखिए कोस ए माइनस साइन ए तो लिखा है, कोस ए माइनस में साइन ए डिवाइड में नीचे कितना भाई साइन ए है, और आपको पता है जो नीचे वाली टर्म्स होती है वो घूमकर ऊपर चली जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है, यानी कि जो कोस स्क्वायर है ऊपर जाएगा ये मल्टीप्लाई में ऊपर जाएगा कोस स्क्वायर ए डिवाइड में टू कोस स्क्वायर ए लिखा है, टू कोस स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ दो बार सम लिख सकता हूँ, यानी कि मैं लिख सकता हूँ इसको कोस स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए माइनस में वन, ठीक है भाई। देखो यहाँ पे क्या लिखा था टू कोस स्क्वायर ए लिखा था, तो मैंने इसको लिख दिया कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, दो बार लिख दिया ना क्योंकि टू था ये, माइनस में वही वन है, ठीक है, सेम टू सेम लिखा, कुछ ज्यादा चेंज नहीं किया। उसके बाद देखिए कोस ए माइनस साइन ए लिखूंगा मैं यहाँ पे, कोस ए माइनस में साइन ए डिवाइड में साइन ए एज इट इज, अब देखिए मल्टीप्लाई में, अच्छा एक चीज ध्यान से देखो मैं यहीं पे चेंज कर रहा हूँ, अगर आपको समझ आ रहा तो अच्छे से देख लेना, कोस स्क्वायर ए यहाँ पर एज इट इज ऊपर डिवाइड में, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है भाई, देखो कोस स्क्वायर ए तो एज इट इज है, इसको तो पहले ऐसे रखो, इन दोनों में से प्लस माइनस में से माइनस बाहर कॉमन ले लो, माइनस बाहर कॉमन लोगे तो अंदर बन जाएगा ये भाई वन माइनस कोस स्क्वायर ए, क्या बन जाएगा भाई वन माइनस कोस स्क्वायर ए, देख समझ आया ना मेरी बात, माइनस का वन था वो प्लस हो गया और कोस प्लस का थे माइनस हो गया, ऐसा बन गया यहाँ पे। और आपको पता है वन माइनस कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, वो लिखेंगे देखो कोस ए माइनस साइन ए, ठीक है यहाँ पर बाय जस्ट लिख दो कोस ए माइनस में साइन ए बाय में अभी अपना कितना साइन ए मल्टीप्लाई कर रहे थे किसको के साथ कोस स्क्वायर ए के साथ बाय में कोस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए। अच्छा ये वाली टर्म देखो ध्यान से, यहाँ पे कोस स्क्वायर ए तो ठीक है माइनस का,
वन माइनस कोस के रे किसके कुल होता है, साइन स्केयर के, इसलिए मैंने यहाँ पे साइन स्केयर पुट कर दिया। और यहाँ पर नीचे आइडेंटिटी बन गई कौन सी भाई, ध्यान से देखो यहाँ पे ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, इसको मैं नीचे लिख सकता हूँ एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो लिखता हूँ भाई नीचे ध्यान से देखो, कोस है माइनस में साइन है ऊपर था, डिवाइड में था भाई नीचे साइन है, उसके बाद कोस स्केयर ऊपर है एज इट इज मल्टीप्लाई, नीचे वाले टर्म को लिखूंगा भाई मैं एक बार माइनस में एक बार प्लस में, यानी कि कोस है माइनस में साइन है और एक बार फिर कोस है प्लस में साइन है। अच्छा अब ध्यान से देखो इससे ये कट गया भाई, सेम थे ना दोनों के दोनों, ये वाली जो टर्म थी सेम थी दोनों, तो ऊपर बचा कोस स्केयर है, नीचे क्या बचा भाई साइन है एज इट इज, और इनटू में कितना भाई कोस है प्लस में साइन है। अच्छा ये आ गया भाई हमारा लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे सॉल्यूशन रुक गया जाके, इसके बाद कोई सॉल्यूशन नहीं होगा इसका और इसको हम आगे करेंगे भी नहीं सोल्व, बट चेक करो क्या ये राइट हैंड साइड के इक्वल है, ये देखो राइट हैंड साइड में तो कोट टेन है भाई, ये इसके इक्वल नहीं है, तो अब क्या करोगे यहीं पे छोड़ दो इसे, अब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड चको, ठीक है, यानी कि अब राइट हैंड साइड लेनी है हमने यहाँ पे, देखो लिखो भी यहाँ पर फ्रॉम आर एच एस, ठीक है भाई राइट हैंड साइड लो, क्या लिखा है कोटे है ऊपर, क्या भाई कोटे, कोट को मैं क्या लिख सकता हूँ कोस बाय साइन, क्या लिख सकता हूँ कोसे बाई में साइन है, ठीक है भाई, उसके डिवाइड में वन प्लस टेन लिखा है, यानी कि वन प्लस में टेन को क्या लिख सकता हूँ भाई मैं यहाँ पे साइन बाई में कोस, साइन है बाई में कोस, ठीक है भाई, नीचे इसको भी वन लगा के एलसीएम लेंगे यहाँ पे, ऊपर साइड करते हैं, देखो कोसे बाई में साइन है एज इट इज, कोसे बाई में साइन है मल्टीप्लाई में, अच्छा मैं नीचे एलसीएम, अच्छा पहले एलसीएम लेना पड़ेगा भाई रुक जाओ एक मिनट, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे पहले, नीचे एलसीएम लेके इसको सिंपल बना लेते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए, डिवाइड में ये तो सेम था डिवाइड में, देखो एलसीएम नीचे कोस है, कोस को वन से करूंगा कोस है प्लस साइन हो जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई कोस है प्लस में साइन है और नीचे क्या भाई कोस है, क्या है कोस है, अब करते हैं मल्टीप्लाई, देखो साइन बाय कोस तो है ठीक, क्या लिख रहा हूँ मैं, कोस है यहाँ पे कोस ए बाय में साइन है मल्टीप्लाई में, ये जो कोस है नीचे से ऊपर जाएगा भाई घूम के कोसे हो जाएगा और नीचे आ जाएगा भाई साइन ए प्लस में कोसे, कितना आ जाएगा भाई यहाँ पे ये जो लिखा हमने कोसे प्लस में साइन ए, पता ना मैंने क्या किया यहाँ पे भाई, ध्यान से देख लो एक बार वापस बता रहा हूँ, ये वाली जो टर्म है ना नीचे वाली घूमकर ऊपर चली जाएगी और ये नीचे ही रहेगी, ठीक है, तो देखो कोस को कोस से मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा कोस स्क्वायर ए, क्या आएगा भाई कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए और नीचे आ जाएगा भाई साइन ए कोसे प्लस में साइन ए। अब ध्यान से देखो ये हमने राइट हैंड साइड प्रूव करी है, अब राइट हैंड साइड और ये जो लेफ्ट हैंड साइड प्रूव की थी देखो दोनों सेम है ना, कोस के ऊपर नीचे भी साइन है कोसे प्लस साइन है कोसे प्लस साइन है, दोनों सेम चीज आई है, तो इट मीन्स हमारा क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो गया भाई, लेफ्ट हैंड साइड है जो हमारा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड वी हैंस प्रूव दैट क्वेश्चन, ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग किया हमने क्योंकि हर एक क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करते थे भाई नॉर्मली क्या करते थे एक साइड प्रूफ करते थे वो दूसरी इक्वल आते थे, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं हुआ, अब की बार हमने दोनों को लेफ्ट हैंड को भी राइट हैंड को भी लाया है इक्वल बनाने के लिए, ऐसा किया, ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है जो कंप्लीट हो जाता है भाई, नेक्स्ट वाला करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं भाई, यहाँ पर 29 में देखिए आपको क्या दिया है, वन अपॉन में सिकेंट ए प्लस में टेन है, अच्छा ध्यान से सुनो मैं एक जो बोलने वाला बात, यहाँ पे ऊपर जो ये वन लिखा है ना इस वन को मैं क्या लिख सकता हूँ आइडेंटिटी सुन लो पहले फिर बाद में करेंगे, और तो हमारा जो वन प्लस में टेन स्केयर होता है भाई क्या होता है टेन स्केयर ए होता है वो किसके इक्वल होता है भाई सिकेंड स्केयर ए के इक्वल होता है, और वन की वैल्यू क्या होती है भाई सिकेंड स्केयर ए माइनस में टेन स्केयर ए, ये बात तो पता आपको, ठीक है, हम कई बार यूज भी कर सके हैं, टेन स्केयर उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है, अब ऊपर देखिए ऊपर क्या लिखा है यहाँ पे, पहले मैं लिख लेता हूँ फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है भाई हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एल एच एस की लेफ्ट हैंड साइड की, अब ध्यान से देखिए ऊपर वन लिखा है और मैं वन के प्लेस पे क्या लिख सकता हूँ सिकेंड स्केयर माइनस में टेन स्केयर, तो मैं यही लिखूंगा यहाँ पे ऊपर लिखूंगा भाई मैं सेकेंड स्केयर ए माइनस में टेन स्केयर ए, और डिवाइड में कितना भी अपना यहाँ पर सेकेंड ए प्लस टेन ए, सेकेंड ए प्लस में टेन ए, ठीक है भाई ये यह हमारा यहाँ पे है सेकेंड ए प्लस में टेन ए, अच्छा ध्यान से देखो माइनस का साइन है जेट इज वन अपॉन कोस किसके इक्वल होता है यू नो दैट कि हमारा वन अपॉन कोस होता है भाई सेकेंड ए के, किसके भाई कोस का उल्टा सेकेंड ए होता है, ठीक है, ऊपर एक आइडेंटिटी बनी है भाई ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, यानी कि मैं ऊपर वाली चीज को लिख सकता हूँ एक बार तो लिखूंगा इसको भाई प्लस में, ठीक है सिकेंट ए प्लस टेन ए, और एक बार लिखूंगा इसको मैं माइनस में सिकेंट ए माइनस में टेन ए, ठीक है भाई, और डिवाइड में क्या भाई अपने पास यहाँ पे डिवाइड में है सिकेंट ए प्लस में टेन ए, क्या है सिकेंट ए प्लस में टेन ए, ठीक है भाई, अब देखो
प्लस वाली टर्म से प्लस वाली टर्म कट गई, माइनस में सिकेंटे भी लिखा था भाई, बचा हुआ क्या ऊपर देखो, ऊपर बचा सिकेंटे माइनस में टेन ए माइनस में सिकेंटे, ठीक है भाई, सिकेंटे से सिकेंटे कट गया तो क्या बचा भाई, माइनस का टेन ए, क्या बचा भाई, माइनस का टेन ए। और यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन नंबर 29 है उसका राइट हैंड साइड तो हमने यहाँ पे, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड तो हमने निकाल दिया, कहाँ थे रुका है जाके, लेफ्ट हैंड साइड माइनस टेन ए पे रुका है। अब मैं राइट हैंड साइड लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं साइड में लिख लेता हूँ फ्रॉम राइट हैंड साइड, ठीक है भाई, आरएचएस साइड से लेता हूँ। अब ध्यान से देखो यहाँ पे वन अपॉन कोस किसके इक्वल होता है भाई, वन अपॉन कोस होता है सिकेंट के इक्वल, किसके इक्वल, सिकेंट थीटा के इक्वल, माइनस में ऊपर देखो वन लिखा है, और मैंने वन की जगह पे क्या बोला आपको लिखने के लिए, सिकेंट स्क्वायर माइनस में टेन स्क्वायर, तो लिखोगे यहाँ पे आप सिकेंट स्क्वायर थीटा नहीं सॉरी ए चल रहा है ना अपना, तो ए ए माइनस में टेन स्क्वायर ए, ठीक है भाई, ये लिख लोगे ब्रैकेट में, और डिवाइड में किसके अब इसके नीचे डिवाइड में क्या है, डिवाइड में है सिकेंटे माइनस टेन, डिवाइड में है सिकेंटे माइनस में टेन, ठीक है भाई, ये हमने यहाँ पे कर लिया है। अब ध्यान से देखो वही चीजें करेंगे जो अभी तक हम करते आए थे, क्या करनी है अभी हमने यहाँ पे, ऊपर माइनस है तो नीचे क्या करेंगे, ऊपर स्क्वायर है तो प्लस माइनस कर देंगे, तो सिकेंट ए माइनस का साइन, एक बार ऊपर टर्म लिखेंगे हम यहाँ पे प्लस की, सिकेंट ए माइनस टेन ए, एक बार माइनस लिख दिया और एक बार लिख दूंगा मैं सिकेंट ए प्लस में टेन ए, एक बार प्लस लिख दिया, और इसके डिवाइड में अभी सिकेंट ए माइनस टेन ए क्या है, टेन ए। अच्छा ध्यान से देखो जो नीचे माइनस की टर्म और ऊपर जो माइनस की टर्म आपस में कट जाएंगी, ठीक है, ये वाले दोनों सेम है कट गए भी दोनों टर्म, तो ऊपर बचा है सिर्फ सिकेंट ए माइनस, अच्छा माइनस को मैं प्लस के सिकेंट से करूंगा तो ये भी माइनस का सिकेंट हो गया, माइनस को इस प्लस से साइन से करूंगा तो भी माइनस हो जाएगा, माइनस का टेन ए, और कट के क्या आ जाएगा भाई, सिकेंट से सिकेंट कट गया बचा माइनस टेन ए, क्या बचा भाई यहाँ पे, माइनस का टेन ए बचा। और यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है भाई यहाँ पे देख लो कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि ये भी माइनस टेन ए आ गया राइट हैंड साइड, देखो राइट हैंड साइड भी माइनस टेन ए, और जो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी ये भी माइनस टेन ए, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे कि जो आपका एल एच एस है और वो आर एच एस है वो दोनों क्या हो जाएंगे भाई यहाँ पर इक्वल हो जाएंगे, और आपका क्वेश्चन है जो 29 वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट वाला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं, यहाँ पे 30th क्वेश्चन में देखिए आपको क्या दिया है, ऊपर है साइन नीचे कोट प्लस कोसेकेंट है, ठीक है, तो सिंपल बात आपका साइन है नीचे कोट कोसेकेंट है, तो पूरी टर्म को पहले साइन कोस में लिख लेते हैं, देखो लिखते हैं ऊपर फ्रॉम एल एच एस, ठीक है भाई, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं सबसे पहले, ऊपर साइन एज इट इज लिखेंगे भाई यहाँ पर डिवाइड में, कोट को कैसे लिख सकता हूँ भाई मैं यहाँ पे, कोसे बाय में साइन ए, ठीक है भाई, प्लस में कोसेकेंट को लिख सकता हूँ वन बाय में साइन ए, यहाँ तक समझ गए मेरी बात क्या लिख रहा हूँ मैं। अब देखो नीचे साइन है तो बेस सेम है तो अपना न्यूमरेटर हो जाएगा वो हो जाएगा, ऊपर तो लिखो पहले साइन ए, और नीचे बन जाएगा भाई आपका कोसे प्लस वे वन बाय में साइन ए, ठीक है भाई, क्योंकि सेम रहेगा ऊपर भी आपका यह साइन ए नीचे से घूम के ऊपर चला जाएगा, तो आपका बन जाएगा भाई यहाँ पर ये साइन ए मल्टीप्लाई में साइन ए डिवाइड में, नीचे कितना भाई वन प्लस कोस, कितना है वन प्लस में कोस ए लिख लो, या कोस प्लस ए वन बात एक ही होती है, साइन साइन ऊपर कितना हो गया भाई ये हो गया साइन स्केयर ए डिवाइड में कितना वन प्लस में कोस ए, और आपको पता है भाई साइन स्केयर ए है जो ऊपर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ वन माइनस कोस स्केयर ए, किसके को लिख सकता हूँ भाई मैं, ऊपर जो साइन है इसको लिख सकता हूँ वन माइनस कोस स्केयर ए, और नीचे भाई अपने पास वन प्लस कोस ए, देखो भाई वन का स्केयर करेंगे वन माइनस में कोस स्केयर ए नीचे वन प्लस कोस ए, और आपको पता ऊपर आइडेंटिटी बन गई ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक बार माइनस में वन माइनस कोस ए, और एक बार लिख सकता हूँ वन प्लस में कोस ए, और डिवाइड होगा किससे भाई ये वन प्लस कोस ए से, किससे वन प्लस कोस ए से, अब वन प्लस कोस ए से वन प्लस कोस ए कट गया तो बचा क्या भाई आपका वन माइनस में कोस ए, अच्छा इससे आगे सोल्व नहीं होगा ये, आपको पता कैसे चलेगा, क्योंकि आगे आप कुछ भी लगा लो इसमें ये तो बनने से रहा, ठीक है, तो सिंपल है यहाँ पर इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड तो होगी, अब राइट हैंड साइड उठाते हैं उसको देखते हैं, लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम राइट हैंड साइड, ठीक है भाई, देखो टू है तो उसको एज इट इज लिखो प्लस में, साइन है उसको भी एज इट इज लिख लो भाई साइन है डिवाइड में, अब हमारे पास बचा नीचे कोटे माइनस कोसेकेंट, कोटे को लिख सकता हूँ भाई मैं यहाँ पे कोसे बाय में साइन ए माइनस में वन अपॉन में साइन ए, ठीक है भाई, अच्छा दोनों में नीचे एलसीएम आ जाएगा भाई, साइन ऊपर हो जाएगा कोसे माइनस वन, साइन ए वापस लिख लेंगे भाई यहाँ पर, ठीक है डिवाइड में, देखो
कोस में ए माइनस में वन एज इट इज आ जाएगा भाई, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर हमारा सेम है, देख सकते हो ना नीचे साइन ए लिखा है, तो साइन ए और डिनोमिनेटर हमारा सेम है, दैट्स वाई ए आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अभी उसके बाद क्या करेंगे, देखो साइन ए घूम के ऊपर चला जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ ऊपर टू प्लस में साइन ए बाय में कोस ए माइनस में वन और इंटू में साइन ए बाय में वन, ठीक है भाई। अब देखो ध्यान से, टू तो एज इट इज रहेगा ये, ठीक है भाई, प्लस में इस कोस साइन ए को साइन ए को मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा साइन स्क्वेयर ए डिवाइड में कोसे माइनस वन, कितना लिखा भाई कोसे माइनस वन। अब थोड़ा सा इसमें चेंज लाएंगे इसको सोल्व करने के लिए, टू तो एज इट इज रहेगा आपका, ठीक है, यहाँ कर रहा हूँ मैं, टू तो एज इट इज रहेगा, साइन स्क्वेयर ए को लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर भाई वन माइनस में कोस स्क्वेयर ए, और इस वन को लिख सकता हूँ स्क्वेयर में ऐसे, ठीक है, डिवाइड में। अब कोसे माइनस वन है लेकिन मुझे बनाना क्या इसे, मुझे बनाना है वन माइनस कोसे, क्योंकि कोसे माइनस वन नहीं बनेगा अपना ऊपर काटने के लिए, तो मुझे क्या लिखूंगा इसको मैं, माइनस कॉमन तो अंदर हो जाएगा वन माइनस कोसे, समझ गए ना मेरी बात मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको मैं वन को प्लस बनाऊंगा और कोसे को माइनस, तो दैट्स वाई मैंने माइनस कॉमन लिया, नीचे हो जाएगा वन माइनस कोसे। अब देखो इस माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस आ जाएगा, ऊपर वन माइनस कोसे को एक बार माइनस में और एक बार इसको लिखूंगा भाई प्लस में, ठीक है। अब नीचे वाली टर्म है जो माइनस की है, अब माइनस वाली टर्म से माइनस वाली कट गई, टू एज इट इज, माइनस का साइन वन से करूंगा तो माइनस वन, माइनस प्लस माइनस कोसे, दो में से एक गया एक माइनस में कोसे, तो आपका फाइनल आंसर आ गया भाई वन माइनस कोसे। अब ध्यान से देखो, राइट हैंड साइड सोल्व किया तो वन माइनस कोसे, और लेफ्ट हैंड साइड सोल्व किया था तो भी वन माइनस कोसे, दोनों सेम आ रहे हैं ना, तो आप लिख देना यहाँ पे कि जो आपका एल एच एस है वो आर एच एस, यानी कि राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया भाई, और यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वाला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं, यहाँ पे देखिए 31 में आपको कोट ऑफ टेन दिया, आपको प्रूव करना है साइन कोस के अंदर, ठीक है, तो सिंपल आपको साइन कोस में कन्वर्ट कर दो कोट को, लिखो भाई फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से, भाई कोट को लिख सकता हूँ मैं भाई यहाँ पर कोस ए बाय में साइन ए माइनस में, टेन को लिख सकता हूँ मैं भाई साइन ए बाय में कोस ए, नीचे दोनों का एलसीएम आ जाएगा भाई साइन कोस, कितना आ जाएगा एलसीएम नीचे साइन ए कोस ए, कोस को कोस से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा भाई मेरा यहाँ पे कोस स्क्वायर है, क्या हो जाएगा माइनस में, साइन को साइन से करूंगा तो क्या हो जाएगा भाई साइन स्क्वायर है, चलो भाई ठीक है। अब मैच करो, देखो नीचे साइन ए कोस है, नीचे साइन ए कोस है, चल गया काम, ऊपर कोस है, ऊपर कोस नहीं है, ऊपर टू कोस है, तो इस साइन को भी कोस बनाना पड़ेगा ताकि दो कोस बन सके, और इस साइन को कोस कैसे बना सकता हूं, देखो कोस स्क्वायर तो एज इट इज माइनस में, साइन को क्या लिख सकता हूं मैं भाई यहां पर वन माइनस में कोस स्क्वायर है, लिख सकता कि नहीं, है ना भाई, आइडेंटिटी अपनी है, नीचे कितना भी साइन है कोस है, अब देखो बस ऊपर वाले टर्म है कोस स्क्वायर है माइनस, वन से करेंगे तो वन माइनस को गया माइनस माइनस प्लस का कोस स्क्वायर हो गया भाई, चलो बस अब तो जोड़ना ही आपको, समझ गए होंगे क्या करना है, साइन ए कोस ए, देखो भाई एक कोस और एक कोस दो कोस हो गए, ठीक है, टू कोस स्क्वायर ए साथ में माइनस का वन साइन, और डिवाइड में भाई कितना अपना साइन ए कोस है, कितना भाई साइन ए कोस ए, ठीक है भाई। तो ये था आपका क्वेश्चन यहाँ पर, जो प्रूव करना था लेफ्ट हैंड साइड के राइट हैंड के इक्वल, और हमने राइट हैंड साइड प्रूव कर दी, देख लो सेम है बिल्कुल, तो लास्ट में लिख सकते हो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, और ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है 31, ठीक है भाई। 32 देख लीजिए, वो भी ऐसे ही करना आपने, अच्छा पहले इसमें रैशनलाइज करना पड़ेगा भाई, क्योंकि रूट है ना, रूट हटाना पड़ेगा आपको, और जब कभी भी आपके पास रूट आए तो सुन लो ध्यान से, रैशनलाइज करते हैं, वन प्लस कोस है तो एज इट इज भाई, ठीक है, डिवाइड में कितना भी वन माइनस कोस है, और रैशनलाइज पता होगा भाई जो भी नीचे टर्म होती है उसको अपोजिट, माइनस है तो यहाँ पे प्लस लेंगे, वन प्लस में कोस है और नीचे भी वन प्लस में कोस है, ऊपर देखो वन प्लस कोस तो वन प्लस कोस का क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर स्क्वेयर हो गया है ना, दो सेम पावर होगी, नीचे वन वन, यानी कि देखो यहाँ पे पहले मैं बता देता हूँ, ए प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगी है, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो आइडेंटिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ए का स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वेयर, यानी कि वन का स्क्वेयर तो वन ही रहेगा माइनस में कोस स्क्वेयर है, क्या भाई कोस स्क्वेयर है, और इसमें पूरे पे क्या है भाई रूट है, क्या है रूट, इक्वल में, अब देखो ऊपर तो रूट है, नीचे क्या बन जाएगा भाई वन प्लस कोस है, वन प्लस कोस है डिवाइड में, वन माइनस कोस स्क्वेयर किसके इक्वल होता है भाई साइन स्क्वेयर है के, किसके साइन स्क्वेयर ए के, और इसका पूरे का स्क्वेयर है, अच्छा देखो इसके स्क्वेयर से इसके स्क्वेयर से बाहर का रूट कट गया, पता ना स्क्वेयर रूट का कट जाता आपस में, तो क्या बचा भाई फाइनल आपके पास, वन प्लस कोस ए बाय में क्या बचा है साइन ए, क्या बचा भाई साइन ए,
अच्छा इस साइन ए को दोनों के नीचे लिख देता हूँ स्प्लिट करके, एक बार लिखूंगा वन अपॉन साइन ए और एक बार लिखूंगा कोस ए बाय में साइन ए। क्या लिखूंगा भाई? कोस ए बाय में साइन ए। अब आपको पता है वन बाय साइन क्या होता है भाई? कोसिकेंट होता है। क्या होता है यहाँ पे? कोसिकेंट होता है। प्लस में कोस बाय साइन क्या होता है भाई? कोटे होता है। क्या होता है? कोटे। और यहाँ पर यही तो प्रूफ करना था आपको, देखो कोसिकेंट ए प्लस में कोटे, तो यहाँ पे आपने प्रूफ कर दिया। लिख देना लास्ट में जो आपकी एल एच एस यानी कि लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल होगी भाई? आर एच एस यानी कि राइट हैंड साइड की इक्वल हो जाएगी। और आपका जो क्वेश्चन नंबर 32 है भाई वो कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट वाला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 करते हैं भाई। यहाँ पर देखिए आपको जो हमने क्वेश्चन नंबर 32 किया ना सेम टू सेम वैसे करना है रैशनलाइज करके। अरे तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे भाई, लिख दो यहाँ पे फ्रॉम एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड। तो अंदर वाली चीज उठा लो भाई, सबसे पहले देखो यहाँ पे रूट के अंदर था जो वन माइनस में साइन ए और डिवाइड में अभी वन प्लस में साइन ए। अब आपको पता है रैशनलाइज कैसे करते हैं, इसका अपोजिट लेते हैं प्लस है तो यहाँ पे लिखेंगे वन माइनस साइन ए और डिवाइड में भी वन माइनस साइन ए। ठीक है भाई, तो देखो ध्यान से, यहाँ पे नीचे वन प्लस साइन ए, नीचे वन माइनस साइन ए। अब आपको पता मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा भाई यहाँ पर? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, क्योंकि एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ए प्लस बी ए माइनस बी आपका यहाँ पर बन जाएगा भाई रूट के अंदर। ऊपर देखो पहले वन माइनस साइन ए, वन माइनस साइन ए, तो मैं लिखूंगा वन माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, नीचे वन माइनस साइन ए, वन माइनस साइन हो जाएगा वन माइनस में साइन स्क्वायर ए। ठीक है भाई, अब देखो ऊपर तो एज इट इज रहेगा वन माइनस में साइन ए का स्क्वायर, डिवाइड में क्या आ जाएगा भाई आपका? कोस स्क्वायर ए। क्या आ जाएगा भाई? कोस स्क्वायर ए। और इसके ऊपर पूरे पे रूट, देखो स्क्वायर से दोनों के रूट कट गया भाई ये। ठीक है, तो आपका बचा ऊपर वन माइनस में साइन ए और नीचे बचा भी आपका यहाँ पर कोस ए। क्या बचा? कोस ए। अब देखो चेंज कर लेते हैं भाई, वन अपॉन में कोस होगा एक, तो क्या होगा भाई? वन अपॉन में कोस ए, माइनस में होगा साइन बाय में कोस ए। क्या होगा? साइन ए बाय में कोस ए। अब आपको पता वन बाय कोस किसके कुल होता है भाई? सिकेंट के होता है, सिकेंट ए माइनस में, और साइन बाय कोस होता है टेन ए के, किसके? और यही आपको प्रूव करना था, सिकेंट ए माइनस में टेन ए। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि आपने जो लेफ्ट हैंड साइड है भाई वो प्रूव कर दिया राइट हैंड साइड के इक्वल, और आपका क्वेश्चन नंबर 33 है जो कंप्लीट हो जाता है। 34 देख लो, ऊपर लिखा है कोट स्क्वायर ए और आपको पता है कोट स्क्वायर ए है, नीचे है कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस वन, सॉरी कोसिकेंट ए प्लस वन का होल स्क्वायर। अब कोट को कोसिकेंट कैसे बनाना? आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए स्क्वायर की, जो हमारा कोट स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है भाई? कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस वन किसके होता है? लिख लो यहाँ पे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड कोट स्क्वायर को लिख सकता हूँ भाई मैं यहाँ पे कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस वन के नीचे, ऊपर वाली टर्म को नीचे लिखूंगा एज इट इज कोसिकेंट ए प्लस वन का होल स्क्वायर। अच्छा अब आपको पता है भाई ऊपर माइनस है तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, सॉरी माइनस बोल रहा हूँ, ऊपर ये आइडेंटिटी है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो एक इसको एक बार माइनस में एक बार इसको प्लस में, तो लिखूँ कोसिकेंट ए माइनस वन, एक बार माइनस में लिख दिया और एक लिखूँ कोसिकेंट ए प्लस वन, और नीचे कितना भाई आपका? कोसिकेंट ए प्लस वन का पावर टू। अब आपको पता है यहाँ पर पावर वन है, यहाँ पर पावर टू है, तो इसकी पावर से ये कट गया ना, पावर दो में से एक पावर बची, अभी कितनी बची अभी? पावर एक बची है, तो आपका सिंपली बचा कि अभी तक मैं लिख देता हूँ कोसिकेंट ए माइनस वन और डिवाइड में बचा कोसिकेंट ए प्लस वन, नीचे एक बार प्लस में बचा है क्योंकि यहाँ पे पावर दो थी ना, ऊपर पावर एक थी, एक कट गई तो एक पावर अभी बची है, तो ये चीज बची है। अब इसको हमने कोसिकेंट को साइन में लाना, देखो वहां पे साइन में शो करना है, तो कोसिकेंट को साइन में बदल दो, तो आप लिख दोगे वन अपॉन में साइन ए माइनस वन और नीचे भी वन अपॉन में साइन ए प्लस में वन। अब एलसीएम लेना बस आपने, बाकी क्वेश्चन कंप्लीट। नीचे आ जाएगा भाई यहाँ पे वन माइनस साइन ए बाय में साइन ए, ठीक है, और उसके डिवाइड में वन प्लस में साइन ए और डिवाइड में साइन ए। ठीक है भाई, बिल्कुल सिंपल है, देख लो साइन ए यहाँ पे, और ये आपस में कट भी जाएंगी थोड़ी सी, ये देख लो भाई कट जाएंगी क्योंकि घूम के ऊपर जाता तो कट जाता है, तो आपका डायरेक्टली बचेगा क्या भाई? वन माइनस में साइन ए ओवर में वन प्लस में साइन ए, और यही आपको प्रूफ करना था। ऊपर देखो वन माइनस साइन ए और वन प्लस साइन ए, यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 34 है कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे आप लिख दोगे जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल हो जाएगी भाई किसके? राइट हैंड साइड के। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 34 भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वाला करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 35 करते हैं भाई। यहाँ पे देखिए आपको 35 में क्या बोला है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे भाई यहाँ पे इसके, देखो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा प्रूफ क्या करना आपको? साइन और कोस में प्रूफ करना, तो आपको जो भी गिवन टर्म हो उसको साइन कोस में कन्वर्ट कर दीजिए। इस साइड भी, इस साइड वाली तो सारी की सारी साइन कोस में, बस इसको कन्वर्ट करना आपने। ऊपर कोस तो लिखा हो भाई आपका, ठीक है, नीचे क्या करना पड़ेगा? वन माइनस में
टेन को लिख सकता हूं मैं भाई यहाँ पे साइन माइनस में कोस, ठीक है, साइन बाय में कोस लिख सकता हूँ, सॉरी प्लस में ए एज इट इज लिख लो भाई यहाँ पे, साइन स्क्वायर ए बाय में क्या लिखा भाई यहाँ पे, साइन ए माइनस में कोस, ठीक है भाई। अच्छा यहाँ पे एलसीएम ले लो, देखो एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा आपका, कोस ए बाय में, कोस को वन से करूंगा तो कोस ही हो जाएगा भाई, माइनस में वन को साइन से करूंगा तो साइन ए, नीचे एलसीएम भी आपका कोस है क्या भाई, कोस ए, प्लस में ए एज इट इज लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पे, साइन स्क्वायर ए बाय में साइन ए माइनस में कोस ए, ठीक है भाई। अच्छा देखो ये चीज घूमकर ऊपर चली जाएगी भाई, और अगर मैं इसको ऊपर भेजूंगा कोस नीचे ऊपर जाके क्या हो जाएगा भाई, ये कोस इंटू कोस कोस स्क्वायर हो जाएगा, नीचे से घूम के ऊपर चला जाता है आपको पता है, तो ऊपर जाके हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। और ध्यान से देखिए एक चीज यहाँ पे, ये भी माइनस में है ये भी माइनस में है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज क्या लाना पड़ेगा भाई हमें, कोस ए माइनस साइन ए है, ये है साइन ए माइनस कोस ए, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए तो आपका अंदर बच जाएगा साइन ए माइनस में कोस ए, ताकि सेम सेम बच सके, प्लस में यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई देखो, साइन स्क्वायर ए बाय में कितना भाई यहाँ पर साइन ए माइनस में कोस ए। अब देखो अब सेम हो गया ना यहाँ पर, अब क्या करेंगे भाई यहाँ पर हम दोनों में से एलसीएम ले लेंगे इसका, देखो साइन ए माइनस कोस ए साइन ए माइनस कोस ए, तो एलसीएम कितना आ गया भाई यहाँ पर, ये आ गया साइन ए माइनस कोस ए, और आपको पता है जब साइन ए माइनस कोस ए डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर डायरेक्टली सोल्व हो जाएंगे, उनको लिख दूंगा मैं साइन स्क्वायर ए माइनस का कोस स्क्वायर ए माइनस का कोस स्क्वायर ए, क्योंकि माइनस का कोस था यहाँ पे, माइनस कोस स्क्वायर था ना, माइनस का साइन मैंने लगा दिया तो इसलिए मैंने साइन स्क्वायर पहले लिख दिया था कि थोड़ा अजीब सा ना लगे, माइनस अब थोड़ा ठीक लग रहा है, अगर मैं लिखता इसको माइनस कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए तो थोड़ा अलग होता है, ऐसे लिखने में थोड़ा ठीक लगेगा। देखो अब ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर आइडेंटिटी लग जाएगी यहाँ पे, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो मैं लिख दूंगा ऊपर साइन ए माइनस कोस ए, एक बार माइनस में और एक बार साइन ए प्लस में कोस ए, एक बार प्लस में भाई, और डिवाइड में क्या भाई आपका माइनस वाली टर्म है साइन ए माइनस में कोस ए। अब आपको पता माइनस वाली टर्म से माइनस वाली कट गई तो सिर्फ क्या बचा भाई आपका साइन ए प्लस में कोस ए बच गया, और ये थी भाई आपकी टर्म यहाँ पे जिसको हम बोल देंगे यहाँ पे क्या प्रूव हो गया आपका, लेफ्ट हैंड साइड है जो आपका वो राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो जाएगा, और आपका जो क्वेश्चन नंबर 35 है कंप्लीट हो जाएगा। 36 देख लीजिए, 36 करते हैं यहाँ पे, 1 माइनस टेन ए अपॉन में 1 माइनस कोट थीटा। अच्छा थीटा वाला दिया है, इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं, पहला तो तरीका कि कोट को मैं टेन बना लूँ, ठीक है, दूसरा तरीका कि मैं यहाँ पे क्या करूँगा भाई, जो नीचे दे रखा ना यहाँ पे टेन स्क्वेयर थीटा, उसको बनाने के लिए इसको साइन कोस में भी ओपन कर सकता हूँ मैं, ठीक है, बट हम इजी वाला करेंगे तो मैं इसको टेन कोट में ही रखूंगा। तो देखो भाई 36 कर रहा हूँ मैं फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से, देखो भाई 1 माइनस टेन थीटा एज इट इज रखो, 1 माइनस टेन थीटा डिवाइड में, कोट को क्या लिख सकता हूँ मैं नीचे, वह लिख सकता हूँ 1 बाय टेन थीटा, होता है ना कोट टेन थीटा को उल्टा, इसका पूरे का स्क्वेयर है भाई। अब देखो 1 माइनस टेन थीटा ऊपर एज इट इज बाय में, टेन थीटा को 1 से करता हूँ भाई मैं मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा टेन थीटा हो जाएगा, माइनस में 1 को 1 से करूंगा तो 1 आ जाएगा, नीचे भी एलसीएम इसका टेन थीटा है, ठीक है, अच्छा इसका पूरे का स्क्वायर। अब देखो भाई टेन थीटा घूम के ऊपर चला जाएगा तो 1 माइनस टेन थीटा, और नीचे देखो भाई टेन थीटा माइनस 1 है लेकिन मुझे इस जैसा सेम बनाना, तो दैट्स वाई मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, इसमें से माइनस कॉमन लेता तो आपको पता अंदर चेंज हो जाएगा 1 माइनस टेन थीटा हो जाएगा, और जो ये टेन थीटा घूम के ऊपर चला गया था भाई यहां पर टेन थीटा बाय में 1, अच्छा इस पूरे का स्क्वायर है भाई। अब देखो ये आपस में कट गया भाई तो क्या बचा आपके पास, पूरा आपके पास बचा माइनस का टेन थीटा और उसका होल स्क्वायर, देखो ये माइनस वाली टर्म और ये टेन थीटा, अब माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस ही आएगा और टेन का करोगे तो टेन स्क्वायर थीटा, तो आंसर आ जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है भाई 36 कंप्लीट हो जाता है। लास्ट टर्म जो लास्ट टर्म आपने वो बस ये लिख देनी है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा, और ये क्वेश्चन है जो आपका 36 कंप्लीट हो जाता है भाई यहाँ पर। नेक्स्ट वाला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या कैसे करना है इसको, कोस ए ओवर में 1 प्लस साइन ए भाई यहाँ पर, और यहाँ पे दे रखा टेन ए, तो आपको कन्वर्ट करना है इसको पूरे को सिकेंट में। तो देखो भाई सबसे पहले सिकेंट हमें पता उल्टा होता है किसका, कोस का, तो कोस का अपोजिट, तो पूरी इक्वेशन को हमने कोस में कन्वर्ट करना पड़ेगा या फिर साइन में, देखते हैं यहाँ पे कोस साइन तो पहले से है यहाँ पे भाई, इसको तो एज इट इज लिखो कोस ए बाय में 1 प्लस में साइन ए, ठीक है भाई, प्लस में टेन को कैसे लिख सकते हो भाई यहाँ पे, आप साइन ए बाय में कोस ए लिख सकते हो, ठीक है भाई, सिंपल है बिल्कुल। अब दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, नीचे देखो एलसीएम लेना पड़ेगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इसकी, एलसीएम आएगा नीचे भाई देखो 1 प्लस साइन ए एज इट इज और साथ में भाई नीचे कोस ए,
कोस को कोस से करोगे तो क्या हो जाता है भाई, कोस स्क्वायर हो जाता है। प्लस में साइन को इससे वन से करोगे तो साइन ए, और साइन को साइन ए से करोगे तो साइन स्क्वायर ए, क्या भाई साइन स्क्वायर ए। अब आपको पता है भाई कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए दोनों जुड़कर क्या बनते हैं, वन बनते हैं, क्या बनते हैं वन। प्लस में ऊपर क्या बचा भाई, साइन ए बचा, क्या बचा साइन ए, डिवाइड में कितना भाई अपना कोस ए इंटू में वन प्लस में साइन ए। अच्छा अब आपको पता ऊपर नीचे दोनों सेम है तो कट के कितना बचा भाई, नीचे कोस बचा है तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे नीचे वन अपॉन में कोस ए, और वन अपॉन कोस किसका अपोजिट होता है भाई, सिकेंट को होता है, तो आ जाएगा सिकेंट ए। और यही आपको यहाँ पर प्रूव करना था, सो दैट वी कैन राइट हियर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस एंड हेंस वी प्रूव दिस क्वेश्चन। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 38 क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा टेन थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू सिकेंट को सेकेंट। अब आपको पता है टेन थीटा कोट थीटा को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा साइन कोस में, क्योंकि सिकेंट और कोसिकेंट साइन कोस का अपोजिट होता है, तो पहले साइन थीटा कोस थीटा लिख लीजिए यहाँ पे, साइन थीटा प्लस में कोस थीटा। अब देखिए यहाँ पे ब्रेक डाउन करते हैं टेन थीटा का, क्या लिख सकता हूँ मैं भाई टेन थीटा को यहाँ पर, साइन थीटा बाय में कोस थीटा प्लस में, और कोट थीटा को लिख सकता हूँ भाई यहाँ पे मैं क्या, कोस थीटा बाय में साइन थीटा। अब आपको पता है तो एज इट इज रहेगा साइन थीटा प्लस में कोस थीटा, और यहां पर प्रोडक्ट करेंगे बेस एलसीएम लेके साइन थीटा कोस थीटा, एलसीएम कितना आएगा भाई साइन थीटा कोस थीटा, साइन को साइन से करेंगे साइन स्क्वायर थीटा हो गया भाई, कोस को कोस से करेंगे कोस स्क्वायर थीटा हो गया। और आपको ये पता है कि साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन होता है, तो ये तो हो गया यहां पर पूरा जुड़कर वन, क्या हो गया वन, तो ऊपर तो वन ही बचा नीचे बचा, तो इसको वन से मल्टीप्लाई करूंगा सेम ही आना, तो हमारा फाइनली बचा क्या है, हमारा बचा भाई साइन थीटा प्लस कोस थीटा बाय में कितना भाई साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू, ये बच गया ना। अब इनको स्प्लिट कर देता हूं मैं एक बार, साइन थीटा के नीचे पूरा लिखूंगा साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है भाई, फिर एक बार इसके नीचे लिखूंगा कोस थीटा यहां पर एज इट इज, और डिवाइड में पूरा साइन थीटा कोस थीटा। चलो भाई अब डिवाइड कर दो इसको, साइन से साइन कट गया तो बचा वन अपॉन कोस थीटा, प्लस में कोस थीटा से कोस थीटा कट गया तो बचा वन अपॉन साइन थीटा, और आपको पता है वन अपॉन कोस किसके कुल होता है भाई सिकेंट थीटा के, और वन अपॉन साइन किसके को होता है भाई हमारा कोसिकेंट थीटा के। तो आपको यही प्रूफ करना था, देखो ऊपर सिकेंट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा, तो आप लिख देना यहाँ पे कि जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, सो हेंस वी प्रूव दिस क्वेश्चन, और आपका क्वेश्चन नंबर 38 कंप्लीट हो जाता है भाई। नेक्स्ट वाला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 करते हैं भाई। यहाँ पर 39 क्वेश्चन में देखिए आपको क्या दिया भाई, वन प्लस टेन स्क्वायर ए और वन प्लस कोट स्क्वायर ए को आपको प्रूव करना है इज इक्वल टू दिस। तो सबसे पहले आप क्या करोगे भाई, यहाँ पे वन अपॉन साइन स्क्वायर और माइनस में साइन की पावर फोर राइट हैंड साइड लेंगे। अब की बार देखो ध्यान से यहाँ पे फ्रॉम राइट हैंड साइड, ठीक है भाई, देखो ये लो यहाँ पर। अब सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों में से साइन स्क्वायर ए कॉमन ले लो, क्या ले लो भाई साइन स्क्वायर ए कॉमन ले लो, तो अंदर आपका क्या बच जाएगा वन माइनस में साइन स्क्वायर ए, ठीक है भाई, क्योंकि अगर पावर यहाँ पर देखोगे आप तो यहाँ पर आपकी पावर कितनी बन जाएगी भाई, वन माइनस में साइन स्क्वायर ए। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर जो वन है वन को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, वन को क्या लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए, क्या लिख सकता हूँ भाई ऊपर मैं, वन होता अपना साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए के इक्वल, और डिवाइड में कितना भी अपना देखो साइन स्क्वायर ए और यहाँ पर है वन माइनस कोस स्क्वायर ए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा भाई, इन दोनों को कन्वर्ट कर लेता हूँ, साइन स्क्वायर ए तो एज इट इज रहेगा और वन माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता भाई कोस स्क्वायर ए के इक्वल, ठीक है। अब मैं सिंगल सिंगल के नीचे लूंगा इसको ब्रेक डाउन करने के लिए, तो देखो भाई मैं लिख लेता हूँ साइन स्क्वायर ए ओवर में, एक बार पूरा लिखूंगा इसके नीचे कोस स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ऊपर लिखूंगा भाई, और ये नीचे लिख दूंगा साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए भाई, ठीक है, यहाँ पे ये लिख दिया मैंने। यहाँ पे ब्रेक डाउन कर लेते हैं, देखो साइन से साइन कट गया भाई यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पे कोस से कोस कट गया, तो वन अपॉन कोस क्या बचेगा भाई यहाँ पे सिकेंट स्क्वायर ए, क्या बचेगा सिकेंट स्क्वायर ए प्लस में, और वन अपॉन साइन बच जाएगा भाई कोसिकेंट स्क्वायर ए। अब आपको प्रॉपर्टी मालूम होगी कि सिकेंट स्क्वायर ए की प्रॉपर्टी क्या होती है, सिकेंट स्क्वायर ए की प्रॉपर्टी होती है वन प्लस में टेन स्क्वायर ए भी, क्या होती है वन प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस में, कोसिकेंट स्क्वायर की प्रॉपर्टी पता होगी वन प्लस में कोट स्क्वायर ए होती है भी, क्या होती है, और यही चीज तो आपको प्रूव करनी थी वन प्लस टेन स्क्वायर ए और वन प्लस कोट स्क्वायर ए। और यहाँ पर आपका जो राइट हैंड साइड जो आपने लिया था वो इक्वल हो जाता है भाई किसके लेफ्ट हैंड साइड के, और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है 39। ऐसे 40 करेंगे बिल्कुल सिंपल है, देखो यहाँ पर सिकेंट स्केयर है और कोसिकेंट स्केयर दे रखा है, इसमें आपने उल्टा लिखना बस, बाकी सारा सेम रहेगा। देखो सिकेंट स्केयर को लिख सकता हूँ मैं वन प्लस में टेन स्केयर है,
और कोसिकेंट स्क्वायर को लिख सकते हो आप 1 प्लस में कोट स्क्वायर, और अब आपको पता होगा टेन स्क्वायर कोट स्क्वायर, कोट स्क्वायर प्लस में टेन स्क्वायर ए प्लस में वन, और वन कितने हो गए भाई टू हो गए, और इस पे पूरे पे क्या है रूट है। अच्छा भाई एक चीज बताओ मुझे ध्यान से सोच के, ऐसी चीजें पहले भी आई थी एक क्वेश्चन में मेरे ख्याल से, कुछ प्रीवियस क्वेश्चन किए थे उसमें आया था ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए बी क्या है यहाँ पे टेन और कोट है, टेन और कोट एक दूसरे से कट जाते हैं तो इसलिए लिखने की जरूरत नहीं होती, चाहो तो आप यहाँ पे रफली कर सकते हो, मैं अलग से करके दिखाता हूँ, यहाँ पे मत करना, मैं आपको दिखा देता हूँ साइड में करके, देखो यहाँ पे टू के साथ में टेन इंटू कोट भी लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ भाई कोट, क्योंकि आपको पता है जो कोट है टेन का उल्टा होता है, कट के दो ही बचना है, तो यहाँ पर ये पूरी आइडेंटिटी बनी है, ये किसकी बनी है ए प्लस बी के होल स्क्वायर की, ए आपका टेन मान लो, ए प्लस में बी कितना भी आपका कोट है, इसका होल स्क्वायर, ये बनगी पूरी आइडेंटिटी, इसको क्लोज करेंगे तो ये बनेगा ठीक है, और इसका पूरे का रूट है, स्क्वायर से रूट कट गया तो आपका क्या आ गया आंसर भाई यहाँ पे टेन ए प्लस में कोट ए, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 40 है जो कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर, बस आपको यही करना था इसमें ठीक है भाई। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं भाई, नेक्स्ट वाला करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 और 42 करते हैं भाई, हमारा देखो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, उसके बाद हमारी एक्सरसाइज 22 है जो कंप्लीट हो जाएगी भाई ठीक है। देखो 41 कैसे करना आपने यहाँ पे, आपको प्रूव करना 1 के इक्वल, तो सभी को पूरी की पूरी जब इक्वेशन आपको दे रखी हो और उसको 1 को इक्वल प्रूव करना, तो पूरी की पूरी इक्वेशन को ओपन करना आपने, यानी कि सिंपल है बिल्कुल, सारी आइडेंटिटी लगा दो भाई, 10 के साथ क्या लगाते हैं हम यहाँ पर साइन ए अपॉन में कोस ए ठीक है भाई, प्लस में कोट के साथ लगाते हो कोस ए वाई में साइन ए ठीक है भाई, उसके बाद कोसिकेंट के साथ लगाते हो भी 1 अपॉन में साइन ए माइनस में साइन एज इट इज रहेगा भाई, ऐसे यहाँ पे 1 अपॉन में कोसे और माइनस में कोसे। चलो भाई अब देखो प्रॉपर्टी लगाते हैं यहाँ पे, पहले नीचे देखो एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन ए कोसे आ जाएगा भाई यहाँ पे, साइन ए कोसे, ऊपर साइन को साइन से करते हैं साइन स्केयर, कोस को कोस से करते हैं कोस स्केयर, ये हो गया भाई। अभी साइड देखो एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ पे, साइन ए 1 को 1 से करते हैं 1, साइन को साइन से करते हैं साइन स्केयर ठीक है भाई। अभी साइड देख लो 1 है नीचे एलसीएम, तो एलसीएम आ जाएगा कोसे, 1 को 1 से करते हैं 1, कोस को कोस से करते हैं कोस स्केयर। अब आपको पता है भाई यहाँ पर 1 माइनस साइन स्केयर और 1 प्लस माइनस कोस स्केयर किसके इक्वल होता है ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर साइन स्केयर प्लस कोस स्केयर 1 के इक्वल होता है, तो मैं यहाँ पे 1 पुट करूंगा, डिवाइड में अपने पास आ जाएगा भाई यहाँ पे साइन ए कोसे, कितना आ जाएगा भाई यहाँ पर अपने पास साइन ए कोसे आ जाएगा, साथ ही मल्टीप्लाई में 1 माइनस साइन स्केयर होता है कोस स्केयर, क्या होता है भाई कोस स्केयर अपॉन में कितना भाई साइन ए, कितना साइन ए मल्टीप्लाई में, उसके बाद ये कितना भाई ऊपर 1 माइनस कोस स्केयर होता है साइन स्केयर, क्या होता है साइन स्केयर अपॉन में कितना भाई कोस ए। अच्छा ध्यान से देखो सारा कटेगा, ये साइन ए और साइन ए एक पावर कट गई, और नीचे एक साइन ए था ये भी कट गया, दोनों कट गई, कोस ए कोस ए कोस स्केयर है नीचे और ऊपर भी कोस स्केयर है, पूरा कट गया भाई, सारा कट कटा के आपके पास सिर्फ 1 बचेगा जो कि लाना था आपने, सो दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और आपने ये क्वेश्चन प्रूव कर दिया यहाँ पर, देखा बिल्कुल सिंपल था। लास्ट बचा है ये भी कर लेते हैं, देखो बिल्कुल ऊपर ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी ओपन करनी है आपने, तो देखो भाई ए का ए प्लस बी का होल स्क्वायर लाओ, ए का स्क्वायर प्लस बी यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में टू ए बी यानी कि टू साइन थीटा, अब इसको करो ए का स्क्वायर 1 बी का साइन स्क्वायर थीटा और माइनस में टू साइन थीटा, डिवाइड में क्या भाई पूरे के टू कोस स्क्वायर थीटा, क्या है टू कोस स्क्वायर थीटा, देखो भाई टू साइन थीटा प्लस का टू साइन थीटा माइनस का, 1 और 1 कितने हो गए टू, प्लस में साइन स्क्वायर थीटा ये भी दो हो गया, दो साइन स्क्वायर थीटा, बाय में नीचे कितना भाई टू कोस स्क्वायर थीटा, अच्छा दोनों से दो कॉमन ले लो ऊपर, तो ऊपर बचेगा 1 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, डिवाइड में कितना भाई कोस स्क्वायर थीटा टू, टू से टू कट गया भाई ठीक है। अब आपने पता क्या करना है, इस कोस स्क्वायर थीटा को दोनों के नीचे ले लो, स्प्लिट कर लो, 1 के नीचे भी कोस स्क्वायर थीटा, 1 के नीचे भी कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा के नीचे भी कोस स्क्वायर थीटा, देखो 1 बाय कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है भाई अपना सेकेंड स्क्वायर थीटा के, प्लस में साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर होता है भाई टेन स्क्वायर थीटा के, तो ये आपका क्वेश्चन था प्रूव हो चुका है, वही प्रूव करना था आपने, जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी भाई यहाँ पर, और ये क्वेश्चन है जो आपका क्वेश्चन नंबर 42 है जो कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन था देख लिया भाई आपने,
सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही किए हमने। हमारी एक्सरसाइज है जो कंप्लीट हो चुकी है, 22A है जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज वाला चैप्टर। इसमें मेरे ख्याल से 3 एक्सरसाइज है, वो भी जल्दी आएंगे, उनकी वन शॉट वीडियो भाई। अच्छा, मैं हर बार की तरह आपको बोलता हूँ कि फीडबैक जरूर दिया करो, हमने ये वीडियो बनाई है भाई, आपको कितनी अच्छी लगी, कितना क्या समझ आया, कितना कुछ नहीं समझ आया है, कोई प्रॉब्लम क्वेरी कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताना हो। साथ साथ आपको फीडबैक भी देनी है, वीडियो कैसी लगी आपको, ठीक है, बताना है। साथ साथ चैनल सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को भी वीडियो शेयर कर देना ताकि उनकी हेल्प हो सके, ठीक है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।